through the sun rays, and I wanna know. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I... Hello. How are you? I'm a mechanic. Yeah, my car is tire puncture. Mechanic. Okay. 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 हां नहीं इधर वो है तुम ट्राई करो तुम शायद खुद भी कर सकते हो अगर मैकेनिक ना नहीं हो रहा नहीं हो रहा वरना मैं कब से मैं बस रिपेयर के लिए कब से ट्राई कर रही हूं तो फिर और गाड़ी नहीं है तुम्हारे पास कोई है ना चलो मैं ये कार से आ रही हूं मेन गैराज ठीक है ठीक है कौन सा वाला बिल बॉक्स के पास हां 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 ओके ओके वही मिलता है हां गाइस जो भी देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दो इनको कमेंट कर दो काफी
यहाँ पे एक ही कार है, जयपुर में क्या मेरी दूसरी हेलो रेडियो है आपके पास? रेडियो मैं बाय कर लेता हूँ, उसका तो कुछ नहीं, लेकिन अच्छा, मैं पीडी मैं क्लोथिंग पे हूँ। मेरे मेन गैरेज में तो कोई भी बाइक या कार नहीं है, और मैं अच्छा जयपुर से अच्छा लेनी होगी, तो पहले मैं यहाँ पे उतर लेती हूँ क्लोथ्स चेंज। ठीक है, फिर मैं हाँ गाड़ी लेके आता हूँ, कोई लोकल भी ले लेता हूँ एक बार। हाँ हाँ रेडियो कौन से पे आना है? 55.5 ओके है रेडियो। हाँ हाँ मैं ले आऊंगा ना अभी जाके। ठीक है उस पे आ जाना। ठीक है मुजामिल। हाय वेलकम टू माय स्ट्रीम।
डिस्पैच नंबर 10-2। हेलो डिस्पैच। ओके या सुनाई दे रहा है ऊपर से थोड़ी। अच्छा इतनी शांति स्ट्रीम। हाँ मैं वही देख रही हूँ, कुछ ज्यादा ही शांति स्ट्रीम है, कुछ ज्यादा ही होनी नहीं चाहिए तुम्हें। कहाँ गया है, भूल तो जा। यस परफेक्ट। कहाँ पे हो? क्लोथिंग स्टोर पे क्यों? मैं तो यू क्लोथिंग के बाहर हूँ। नीड अ इतने 91। वैसा मुझे मत बता दी, बहुत ज्यादा मारूंगी अभी पकड़ करके, भगा भगा के। बस 7 की वॉचिंग पर कोई कमेंट नहीं पे। हेलो फिक्स मैन, हेलो जेम्स। अबे यार मुझे क्या हो गया, कौन से क्लोथिंग शॉप पे हो? पीजी मैं पीडी वाले बाहर ही खड़ी हूँ। के पास से हो? हाँ खड़ी हूँ यहीं पे। अरे पर यहाँ तो मैं खड़ा हूँ। उसका ये अच्छा देखो, ये ये देखो। प्यारी सी व्हाइट कलर में लड़की नहीं दिख रही? क्या मेरे को ये पहले कुछ और लगा था। नेवर माइंड। अरे मेरे को बदलना है भाई कपड़े। ना अरे नहाते भी नहीं हो, 10 दिन से सेम जॉब वॉब कपड़े का कोई हो। सीन है क्या? पांच हाँ मैं तो बोलती हूँ चलते पीछे हजार जो डॉलर है से काम चला रहे हैं। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो वहाँ पे जाना है, वहाँ पे कुछ है। हेलो आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ हाँ अरे हाँ मैं बोल रही थी क्या वहाँ बोला? पे जाना पसंद करोगे? देख लो। हाँ ना मैं तो जा रही, लेके चलूंगी। चल रहा हूँ, फोन कर देते हैं। तुम एक फोन घुमाएंगे। बताओ चलना है चल सकते हैं। यस यस मैं तो जा रहा, जा रही मतलब। गाइस कौन कौन देख रहे हैं, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ये भी ठीक गिर है। गया ये भी ट्रॉली में। नीचे तो सही, बस ऊपर जैकेट ही चेंज करनी है। चैंपियन की याद आ रही है। मॉर्गन किसकी? की। अरे क्या सीरियस की ले जाते हो बातों को। अच्छा अरे नहीं 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 लेता, वो तो उसकी आदत ही है बजने। ये वाली अच्छी है। दैट्स कूल। हाँ सही है एकदम, और अंडर शर्ट कोई अच्छी सी, या वही ठीक थी? वाइट अच्छी लगेगी या वाइट शर्ट। ना। हाँ 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 शूज कौन से अच्छे? ये अच्छे या कोई और पहनो? नहीं वाइट कर दो। शूज भी वाइट, ये हाँ भी ठीक। रुको अच्छा रुको लगेगा। यार। अरे जैकेट सेट रेड है ना, यही कलर अच्छा लगेगा। बता दो कभी और पहनने ये हो। सही भाई ये रहेगा। सही। कौन सा? ये वाला? हाँ इसमें थोड़ा पेट नहीं दिख रहा क्या? एब्स, आई ना मीन एब्स नहीं दिख रही क्या? नहीं ये सही है, पीछे करो पीछे करो। ये हाँ वाली हाँ परफेक्ट। मैं बोलती हूँ ऊपर कौन सा? जैकेट ऊपर ब्लैक हो जैकेट तो देख ब्लैक लो। हो, ब्लैक जैकेट। इसका देखूं क्या कुछ इसमें? ये कलर सही है। है। सही हाँ है। ये ये ना, नहीं। देखो नहीं देखो नहीं पहले नहीं नहीं पूरा देखो। और मैं बोलती हूँ किया था और करो। करो और कोई जैकेट। नहीं नहीं यही, इसमें कलर चेंज करो। और एक कलर, और एक कलर। हाँ ये अच्छा लग रहा है, सूट से भी मैच हो रहा है। अंडर शर्ट बताओ इसके लिए। रुको तुम्हें इस शुरू से दिखाता शर्ट तो वो पहले पहले उसका कलर चेंज कर लो ना। है। ये ठीक है कि नहीं? कौन सा कलर का? रुको रुको वही पहन लेते हैं ना। हाँ ना उसमें ये कलर, वाला या ये वाला? खुला हाँ इसमें कलर देखो, बटन या बंद बटन? अच्छा खुला वाला अच्छा लग रहा है। इसमें कलर है। ये वाला हाँ बस ब्लैक सही है, ब्लैक सही है, बस पूरे ठीक परफेक्ट है लग क्या? रहे हैं। आ शूज भी मैच हो रहे ये हैं।
हाँ भाई, परफेक्ट। चलो लोकेशन पे जाना है हमें। मिस्टर यूनिवर्स पे चलेंगे। यस 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 मिस। हाँ ना, तो तुम ही जीत जाओगे लग रहा है। वैसे मिस हमारे को तो मुझे सोच मन नहीं है। मैचिंग है। नहीं, तुम चलाओगे। हाँ शूज मैचिंग है। तुम मेरी, कलर। तुम मुझे कॉपी करती हो हमेशा। अरे तुम करते हो, तभी मैंने तो कितने मेरे दिनों बाल से का पहन कलर रखे हैं। बदल दिया। अब पता लगा किसने कॉपी किया। ना तुमने किया था इसलिए मैंने बदल दी। हाँ मैंने लोकेशन मार की, वहां पे चलो। भाई साहब गाड़ी दोगे? क्या क्या है? ठीक है, ये भी सब ठीक है। पियर पियर जाना क्या? कुछ दिखा रहे वहां से एडवर्ड या का मुझे। अच्छा, ये एडवर्ड सारा दिन शहर में रहता है क्या? अच्छा नहीं, अभी नहीं था, अभी जाएगा। है कौन है? बता। अच्छा ये रहा। व्हाट्सएप कहाँ से? और ये कौन है? बिली? नहीं, ये वो है डेनियल। अच्छा, पहले मिले हैं क्या? हाँ ना। क्या तुम मुझे भूल कौन? गए? शायर भाई, शायर भूल गए क्या? ओके मैं जा रहा, बाय। अरे 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 आ जाओ, हम इनके साथ तो भूत देखने गए थे। नहीं, अरे हम तो वो मॉर्गन के साथ गए थे ना, भूल गए उसके थे। पहले वाले दिन। अच्छा हाँ, उस जिस दिन दिखा नहीं था उस दिन। अच्छा हाँ ना। हाँ याद है, तुमने बोला था कि वो तो बिली था, उसके नहीं, नाम डेनी, क्या है? डेनियल, डैनियल क्रेग, जेम्स बॉन्ड। डेनियल लायर। He was amazing, but the blonde one called the other blonde one a लायर। fat dumb slut, and they झूठ got her बोल बोल के revenge by दुनिया खराब sleeping कर with her दूंगा। husband and her dad. लग ही रहा है दुनिया खराब करेगा। We'll come over next मिस्टर week. यूनिवर्स all day marathon. हाँ ना। Yes, it's इसकी दुनिया खराब करो। ऐसे क्या दिखा रहे थे? मेरे पीछे देखो। You're an international टकला? मेरे I'd have to पीछे। look that up. अच्छा तुम्हारे पीछे? ये क्या? That $6,000 क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चाबी देने वाले हो क्या इसकी? मुझे भी भूल ही क्या? गए। नहीं, आप भी नहीं हो। मैंने सबसे पहले फोन चेक किया था। नो, सबसे पहले फोन चेक किया था। सब जिसको आए उनको नंबर फोन करूंगा। दिस इज यस पर्ल्स रेस्टोरेंट सी अच्छा। फूड। आपका है क्या? बस पेपर वर्क चल रहा है, अभी हो जाएगा। अच्छा, सी फूड। अरे यार सही है ये तो बहुत। सही है, मस्त चीज है। बैठने के लिए अरे भी मस्त। कितना मस्त जगह है। कितना अच्छा का बाय किया आपने? अच्छा अभी वो लीज रहता है वीकली। ओके। ओ ये रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलना है। हाँ, हाँ, तो मैं यहाँ की मैनेजर। चलो मैं ओनर। उसके बारे में ही बात करने के लिए बुलाया तुमको। हाँ मुझे पता चल गया, आ जैसे जाओ तुमने बोला ना तुम बाई कर रहे हो। आ जाओ, यहाँ बैठो, बैठते हैं यहाँ पे। हाँ तो फिर तो अरे सही है। भाई साहब, ताली थोड़ा पीछे होके बैठेंगे? मार अरे रहा है। बाप कस्टमर रे। है वो, कस्टमर है। ओह सॉरी सॉरी।
बताओ तुमको लाइक मैनेजर के पोस्ट में इंटरेस्ट है या शेफ के पोस्ट में या फिर कस्टमर रिलेशनशिप में? मैं तो बोलती हूँ मैनेजर बन के सारे काम कर लूँ और बाकी लोग को बता भी दूँ। और क्या, सारी काम मैंने करोगी बोला था शेफ कॉल से करने लेके को। एक सब दफा अच्छा कुछ? कॉल करने, अरे आप सिटी में कॉल हाँ ना करने बोले तुम्हें थे कुकिंग आती है? स्पॉट पे, तुमको क्या कुकिंग बोल रहे? हाँ मुझे आती है ना, आती है? सी आती है ना, बहुत फूड, अच्छा। सी फूड हाँ बनाना है? हाँ हाँ सब बना लेती हूँ। ओके बढ़िया है। फिर बताओ कोई सी फूड के डिशेस बताओ। अरे तो अरे क्राब, क्वेल हो गई, ऑक्टोपस हो गया, क्रैप हो गया, और कोई मछली का टाइप, मछली नहीं, क्या कहते हैं, रुको पिराना नाम फिश, बताओ। अरे इसका नाम रुको रुको, मेरे मन में नहीं आ रहा है। पिराना खिलाओगे नहीं नहीं रुको, मैं हाल बता रही यार। में? फिर तो वो हमें वही खाएगी या हम उसे खाएंगे, वो तो तब भी पता लगेगा। वाह रे बेटा, अच्छा हुआ द मैग नहीं बोला। अच्छा ठीक है चलो कोई ना, कुकिंग आता है तो बेस्ट है। तो फिर तो बताओ। मुझे कौन सी जॉब देने वाले हो? हाँ मेरे को वैसे जॉब चाहिए थी। तुम किस चीज में माहिर हो तुम? मैं कस्टमर सर्विस में बहुत माहिर हूँ और मैनेजिंग भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ। ओके okay. यहाँ पे सुशी भी मिलती होगी ना, एक्सपीरियंस है। सुशी वो भी रख सकते हैं। हाँ कोई भी, तो तुम्हारे हिसाब से जो जैसे अभी जो जिस चीज में एक्सपर्ट है उसके हिसाब से वो चीज रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस है डैनियल क्या कहीं पे काम करने का एक्सपीरियंस है? क्या लाइक मेरी कंट्री बर्लिन में मैं बहुत काम करता था ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रेस्टोरेंट में काम किया, द रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट है, उधर उधर अच्छा काम किया मैंने मैनेजर की पोस्ट पे। ओके, और फिर वहां क्यों छोड़ा? बस यही स्विच लॉस सैंटोस में स्विच हो गया था, बस किस रीजंस के कारण, पर्सनल मारना है क्या बंदे को? पीड़ा रहा ना यार, डिस्कॉर्ड रीजंस। पे बोला था। इतना अच्छा साल मेरे को लगा काम किया इन वहां पे सिटी बोला आपने। मैंने, वहां ये ना इवन सच में डेढ़ मार एक साल देगा, 2 महीने किया बता काम। रही हूँ, हाँ 1 साल 2 महीने, पिराना खिला के। 1 साल 2 महीने। पर पता मेरे को थ्राइवन सॉरी डेनियल पे थोड़ा डाउट हो क्या रहा है कि वो किसी को शार्क वार्क ना खिलाते, अब जैसे पिराना बोला। क्या पिराना कहना मतलब चाहते हो? मच्छी भी नहीं है यहाँ पे, तो उसका कोई वो टेंशन भी ठीक है, नहीं। शार्क तो है बट ठीक है, वो तो मर शार्क के मर पकड़े पकड़ने तो जाएगा नहीं। अगर ठीक, मैंने पकड़ा कभी शार्क कोई तो जॉब मैं ना पकड़ा कंपनी करो, जाऊंगा। एलिशिया और एक मैक चीज के साथ है कि मिलके कुछ देखो काम यहाँ पे करना है ना, चाहती फिश है अब दोनों रेस्टोरेंट है, का। वहाँ पे लोग ठीक है मतलब अपने मेरा और मछली किसका? पकड़ के बेचते हैं। बट मैं सोच रहा था कि अगर हम लोगों को मछली हम ही उनसे खरीद ले, लाइक वहाँ पे बेचने से अच्छा हम उनको अच्छा दाम में, दो हाँ सही लोगों है, को वो एक बल्क में देते वैसे। सही चीज रहेगी। तो मैं ये सोच रहा था कि हमारे मैं एक बंदा भी ऐसा रखूँ जो मछली पकड़ के लेके आएगा, और हम उसको वो पकड़ के लेके आएगा तो मॉर्गन उसको कर अच्छा दाम मिलेगा उसको। सकता है मॉर्गन। हाँ मच्छी वाला सही है, मॉर्गन। अबे अपने पास मच्छी भी तो है डेनियल, क्या पकड़ अपने के पास एक रखी? मच्छी तो है ना, अच्छा याद है पॉडकास्ट में? समझा हाँ, समझा, वो मच्छी मच्छी पकड़ेगा हाँ वो तो है। है ना। वो मच्छी पकड़ेगा और मच्छी है मतलब आपका और इलिशा का दोनों का पार्टनर बनके। अच्छा मच्छी ओके पकड़ के रखी ओके, है हाँ तुमने? ना वी हैव वन फ्रेंड नेम मच्छी, मॉर्गन नहीं यार, दूसरा अच्छा दोस्त का नहीं। नाम मच्छी है, हाँ ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि उसको मछली के बारे में सब कुछ पता होगा, नाम ना होगा। अरे वो उसका नाम अरे उसके इसलिए तो माता पिता मछली पता क्या है। थे? माता पिता उसके मछुआरे थे, तो उसको कैसे नहीं अच्छा पता फिर होगा, इसलिए नाम तो तो उसका सही है, मच्छी फिर रखा है। तभी तो करना तो सही है। चाहिए वो। मिलाना जरूर मिलाना फिर उससे भी। अरे अब इसका क्या हो रहा है? भाई साहब सर बॉडी आना इसकी फ्लेक्स बॉडी करो, बॉडी। देखो, अरे इसकी बॉडी देखो, मछली खाली खा है लेंगे तो बॉडी बनेगी। क्या? एप्स है? रुकिए रुकिए जरा, क्या बाइसेप्स है ब्रो? इसको जलन हो रही है क्या?
देखो भाई, ये तो गे लग रहा है मेरे को। अब बोलो। देख रहा है तेरी सही तरफ। है। अरे अरे डैनियल को टैटू नहीं है, बॉयफ्रेंड मिल गया। मैं बोलती हूँ टैटू बनवाते हैं आज टैटू एक, तो बनवाने वाले हैं। डैनियल लगता है तुम्हारा पिछले जन्म का इसलिए तो दोस्त है। कॉल कर बोला था 2 दिन गायब हुआ। मैं कल आई क्या नहीं, देना मैं चाहते आज ही तुम? आई डायरेक्ट, बोला देखो परसों की नहीं, परसों चली चली गई थी, कल ना, आई तुम नहीं। फ्लेक्स कर रहे थे, वो रिस्पॉन्ड कर रहा था। लॉजिक मेरा डैनियल रियल नाम लॉजिक क्यों है रखा बात है? A1 रखना चाहिए ना, जब सब में। A1 ही अरे बुलाते हैं। गुलाब में फिर A1, क्या ही दिक्कत A1 हाँ इसका निकनेम है, जैसे उसका नाम मच्छी है। पार्कर, अच्छा पीटर पार्कर का अच्छा भाई। इसको इसको स्पाइडरमैन बहुत स्पाइडर। ज्यादा पसंद है, क्या ही करे। ओके तो फिर तुम्हारा डन है ना, तो फाइनल समझू तुम्हारा अपॉइंटमेंट मेरा मेरा। दोनों का। हाँ हाँ ना, हाँ तो तुम बनोगी शेफ और ये बनेगा मैनेजर। वो यस यस। जो अलेक्सा है वो भी शेफ का काम करेगी। अलेक्सा एलेक्सा एक को लड़की है, भी हो ना। अच्छा कॉफी स्टोर वाली याद है? अच्छा अच्छा कॉफी अरे वो फिर वो कॉफी शॉप पे नहीं काम करेगी क्या? अच्छा नहीं, वो छोड़ दिया उसने कॉफी शॉप। यार, ये बहुत सही है, दिखता भी अच्छा। सही है। और यहाँ पे काफी लोग आएंगे क्योंकि ये पीएस के पास है। जंगल के पास। पास। और हम यहाँ पे डेटिंग पैकेज रखेंगे, जैसे अगर कोई कपल्स आते हैं तो उनको डिस्काउंट देंगे। उस सही है, एक फ्री फ्री का का केक। केक। हाँ वो तो पर्क्स तो देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी थोड़ा पेपर वर्क बचा है गवर्नमेंट से, वो एक बार परमिशन आ जाए तो रेस्टोरेंट खोल देंगे। चलो हाँ बढ़िया बढ़िया। मैं तुमको किचन दिखाता हूँ, आ जाओ। क्या डिश वगैरह चूज कर लेना एक बार, वैसे ओपन करने से क्या? पहले मिस शेफ डिश वगैरह चेक यस कर यस लेना। यस ये है तुम्हारा किचन। अरे सही है, प्रणाम करने वो कौन है के छोटू? लिए अच्छा स्पेशली। अरे वो झाड़ू अभी उस क्लीन करवाया मैंने, तुम लोग आ रहे थे इसलिए। अच्छा ओके, इसका छोटू। हाँ छोटू है वो, अच्छा कैसे हो पता? अरे ऐसे काम बहुत है ना, अरे मतलब जहाँ रेस्टोरेंट में काम करता था वहाँ यही था, ये सेम बंदा था। और भाई याद है संभव करती तुम्हें? जॉब ओके सही वैष्णव वर्मा। अरे है। एडवर्ड की है ना ये, अच्छा तो ये तो मैं घूमता था दो ना जॉब भी कुछ, कर नेवर सकती, माइंड। कोई इश्यू नहीं है। देखो ऊपर जो क्या बोलते हैं इसको, कंटेनर्स है ना, उसमें सारे मसाले हैं। हाँ ठीक है। पास्ता भी है, हाँ पास्ता वो तो ऐसे रखा है। ये किसके लिए है? देखो यहाँ पे केक वगैरह है, वो हम ऐसे साइड बॉक्स खोल के दे देंगे, स्वीट डिश। अच्छा, हाँ वो भी सही है। बाकी ये वाले टेबल में तुम ऑर्डर बाहर लेके आ सकती हो बनाने के बाद। ये भी हाँ, ये सही है, सब हाँ। सही है। बाकी अगर कुछ, ओवन है यहाँ पे, देखो इधर यहाँ पे ओवन है। यहाँ पीछे भी वैसे दो हाँ दोनों कोई भी यूज कर लो। शेफ होंगे ना। हाँ दो शेफ होंगे, एलेक्सा थोड़ी लेट आएगी, ओके वो हाँ रात में आती है ना। हाँ और बाकी तो, और यहाँ से एक बाहर का रास्ता है इधर, आ जाओ दिखाता। ये ओपनिंग रास्ता टाइम सीधा सामने कचरा में खुल। फेंकने के लिए। हाँ ये तो सारा कचरा, मछली के काटे वाटे सब यहाँ फेंक देना कचरे में। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, अंदर कुछ गंदा मत रखना। बाकी व्यू मस्त है यहाँ पे, लोग यहाँ बैठ के भी खाना खा सकते हैं। जैसे देखो ये है, इधर बेंच है, यहाँ पे बैठ के भी एंजॉय कर सकते हैं सी फूड बहुत। जैसे यहाँ पे अगर हो सके तो हम लाइक कोई ऑड पे अगर कोई पार्टी करता है तो हम उसका भी ऑर्डर लेंगे। हाँ हाँ ये भी सही है। यहाँ पे पूरा बनवा के फिर वहाँ लेके जाएंगे। ये एच भी खरीद ही लो, ये एच भी खरीद ही लो टीचर। फिर वो अभी तो नहीं, बाद में देख लीजिए, बहुत महंगा चलो है।
मेन दिक्कत क्या है पता है, यॉट पे जाने के लिए लोगों का प्रॉब्लम है, तो स्विमिंग करके भी जाता है, जाना प्रॉब्लम है। हाँ वो तो है। अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा बोट का गराज वराज बनवा देना गवर्नमेंट वो, तो फिर लेने का फायदा है। वो तो है। बाकी तुम्हारा सैलरी वैलरी का क्या सीन है बताओ मेरे को। तुम अपना बताओ पहले। कल तीस से लग गया। अरे रोने की लग जाती हो क्या, बच्ची हो क्या? लगा नाक में मारा मेरे। अरे गलती से मेरा मसल। जब तुम एक पंजाबी के साथ हो ना रोते नहीं। तो बताओ तुम्हारे एक्सपेक्टेशन बताओ ना। नहीं तुम्हारा बताओ पहले, हम तो फिर कर देंगे उससे, उसके हिसाब से करेंगे। तुम्हारा रेंज भी तो देखना है। तेरा तो ऐसा कुछ रेंज है नहीं, तुम बताओ तुम्हारा एक्सपेक्टेशन। तुम्हारी लिमिट कहाँ तक है बता दो जस्ट। अरे लिमिट कोई है नहीं भाई, अभी मैं बोलूंगा मेरी कमाई 10 करोड़ है महीने की, क्या तुमको 10 करोड़ दे? चलो फिर 1 करोड़ रख दो बस। हाँ ठीक है, एक करोड़ में। और सुनो सुनो, हमारी सैलरी लाइक 45,000 या 50,000 तक। 50,000 पर वीक या मंथ? नहीं नहीं मैं बोलती हूँ पर वीक 1 लाख पर सही रहेगा। 1 लाख हाँ वो भी सही है। फिर 50,000 अरे मेरी थोड़ी अच्छी वो तो ज्यादा होनी चाहिए ना, मेरे को सारी चीजें मैनेज करनी है, तो 1,20,000 बहुत है भाई मैनेज करने के लिए। कोई नहीं ज्यादा ज्यादा इसका स्किल कुक का है, शेफ का। अगर शेफ ने गंदा खाना बनाया तो कोई आएगा नहीं, इसलिए उसको ज्यादा दे रहा हूं। समझा फोटो है बट सैलरी तो मैं ही दूंगा क्योंकि मैनेजर हूं। फोटो हमारा सैलरी उनके अकाउंट डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे उसका कोई टेंशन। अच्छा अच्छा तुम अकाउंट के मैनेजर थोड़ी हो, जनरल मैनेजर। हां वो तो है। हां तो जैसे देखो बिजनेस जैसे बढ़ेगा तो तुम्हारे सारा सैलरी भी बढ़ेगा। कस्टमर मैनेजर सीआरएम बेसिकली रहना पड़ेगा तुमको। ड्रेस कोड भी ना वो थोड़ा डिस्कस कर लेना, अलग अलग ड्रेस ना पहन के सब। ओ मैं कर लूंगी मेरा शेफ का तो ये डिसाइड कर ले, बाकी तुम मैं कर लूंगा मैनेज ये चीज क्लोथिंग का कोई ना। और मैंने वो कैट और उसके दोस्तों को भी बोला है, बोल के रखा है, बट वो पता नहीं वो लोग कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, बार बार इधर उधर बोलते है वो लोग। हाँ मैं सिखाएंगे तो थोड़ा दिमाग सही दौड़ेगा। मैं उनको अपने हाथों से खिला बना के खिलाऊंगी ना, तो ऑब्वियसली अबे खिलाओगी मतलब मैं बनाऊंगी ना, शेफ तो मैं हूं ना। ठीक है मैंने कुछ बोला। हाँ घर का खाना। हाँ मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करके बोलूंगी हम सब साथ में खाएंगे। हाँ सही है। पर तुम्हारे तुम्हारे दोस्त लाइक पैसा दे पाएंगे? हाँ देंगे ना। देंगे कैसे नहीं, डंडा रखेंगे साथ में। तेरे बोलेंगे भाई इमली का रेस्टोरेंट है, चलो भाई फ्री में खाना है, बोल के आ जाओ। फ्री में खोआ ये मैनेजर है ना सर जो आपके सामने खड़ा है। हाँ हाँ ना कब्बा इंसान है, लोग शक्ल देख के डर जाते हैं मेरी। अच्छा और बताओ कि जैसे अभी मैनेजर हो गया, शेफ हो गया, दो शेफ है अपने पास, एलेक्सा एक कस्टमर और एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर तुम ही करोगे ना? हाँ हाँ वो तो मैं कर लूंगा मैनेज। और बताओ किस चीज के लिए रख सकते हैं? कैट का नंबर है मेरे पास, पूछूंगा उससे। क्या है आई नहीं होगी अभी तो। मैं क्या बोला कैट? अरे वो तो कैसीनो में करती ना जॉब। एक कैसीनो में वो नहीं कर रही आई थिंक, बट मैंने एक्चुअली उससे कल बात करी थी इसके बारे में, वो बोली कि ठीक है वो करेगी यहाँ पे, बट वो उसका जैसे वो बातों से लग नहीं लग रहा था उनके दोस्तों का क्या है लाइक, वो बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं लग रहा क्योंकि वो कितना मांग रही थी, जब भी बात करने का ट्राई किया 5 लाख मांग रही थी यार। एक बंदे 5 लाख खाली हूँ, 5 लाख कैसे दे सकते हैं? 5 लाख तो खुद नहीं कमा पाएंगे इतना। हाँ तो मैंने बोला इतना तो नहीं होगा, बट मैंने बोला कि चलो 1 लाख से चालू करते हैं।
सही है, अगर जब बोले बिजनेस बढ़े तब बढ़ाने का सोच सकते हैं, वो भी 50-50,000 करके डायरेक्ट। तो और लोग बोनस भी तो देते हैं अगर लाइक टिप्स वगैरह, उससे भी तो पैसे मिलते हैं। हाँ तो अभी मैंने ऑफर तो दिया है, आने के बाद ही पता चलेगा वो लोग क्या, क्योंकि कल ये कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ था ना, आज कंस्ट्रक्शन मैंने करवा लिया है गवर्नमेंट से, अभी थोड़ा बच्चा है ऑफिशियल लाइसेंसिंग वगैरह वो तो हो जाएंगे। नहीं चलेगा तो बहुत, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये लाइक एक तो पियर के पास है, व्यू बहुत अच्छा भाई, एक तो इसका लोग रहते ये हैं 24 hours, वही तो अच्छा भी होगा भाई एयरपोर्ट का। हाँ रात में तो सही लगेगा, और आके घुमा के देख लेते हो क्या पीछे? नहीं रे वो मेरे पास हाथ में आईना है। अच्छा हाथ में आईना रखते हो? अरे वो अरे नेवर माइंड, छोड़ो छोड़ो बात खत्म, कंगी वंगी करने के लिए। तो ये तो सीन हो गया, और मेनू तो फिश रखेंगे या कुछ और भी रखेंगे फिश के साथ साथ? सीन ऐसा है मैं बताओ कि मैंने फूड तो रेस्टोरेंट काफी है, जैसे वो ढाबा है, फिर मैगडी खुलने वाला अरे है। अरे उनके पास जो ना वो रखेंगे हम। अबे तो फिर क्या फायदा, हमको कुछ अलग रखना पड़ेगा ना। मैं बोलूं उनके पास जो ना हो वो रखेंगे। हाँ वो बोल रहे हो, ये तो ही है। एक तो सुशी, तुम डीलर से बात करके रखो ना जो ये तो एक सी फूड रहेगा, उसके साथ साथ कुछ और भी रख सकते हैं स्वीट डिश टाइप कुछ। मछली खाने के बाद किसी को मीठा खाने का पसंद मन करता है? ड्रिंक्स रखनी चाहिए रख सकते हैं मछली के बाद। ड्रिंक्स बेचने के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है भाई, ड्रिंक्स के लिए। हाँ हमारे जो वैनिला के डांसर्स हैं उनका डांस भी रखेंगे। अरे नहीं ऐसे नहीं आएंगे, वो तभी रखो जब हम पता है कैसा कर सकते हैं, लाइक प्लान खोल सकते हैं जिस किसी को पार्टी करने तो ये ऑफर है, इतनी ड्रिंक्स मिलेगी, इतना फूड मिलेगा, इतना डांस मिलेगा, जैसे 5-6 lakh का। हाँ देखते हैं, वैसे लोगों को पता नहीं डांस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अपने आप आएगा। वैसे कैसे चल रहा तुम्हारा वो वनीला यूनिकॉर्न? चल रहा है ठीक ठाक, अभी तो इतना कुछ खास नहीं है। देखो पता क्या है, तुमने वनीला यूनिकॉर्न में सिर्फ एक डांस रखा है, थोड़ा खाना वाना ड्रिंक्स वगैरह लोग आए, ड्रिंक्स तो भाई जरूरी है, उतना लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे उसमें, हम रखते थे खाना वाना वो सब। कितने डिश रखनी टोटल वो बताओ? देखो एक तो प्रॉन रख सकते हैं, लॉबस्टर हो गया, क्रैब हो गया, टूना फिश, जो जो पॉसिबल है वो सारी डिशेस रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अरे सी फूड में सूप एंड ऑल भी आता है, वो भी रखते हैं। मछली का सूप आता है क्या? हाँ आता है ना, प्रॉन सूप होता है, क्रैब सूप होता है, थोड़ी चीजें वेज भी रखनी पड़ेगी। बट वेज क्या, वेज में क्या रखेंगे? पास्ता वगैरह रख लेना। वेज में नहीं, नहीं पास्ता सब नहीं, रुको मैं बताती हूँ वेज में क्या रख सकते हैं। एक मेन्यू ना नोट्स पे लिख कर रख देंगे, मैं वो तैयार कर लूंगी आज के दिन, तो मैं बताती हूँ, जो जो अच्छी लगे वो शॉर्टलिस्ट कर देना। चलेगा बिल्कुल। हाँ कोई ना, शेफ हो तुम, शेफ हेड बना देते हैं इसको। सबसे अच्छी मार्केटिंग मोमोज रख सकते हैं। अरे नहीं मोमोज नहीं, लोगों को लाइक होता है चीज क्या है। हाँ या तो फिर नॉन वेज रख सकते हैं, ये कर सकते हैं बस, नॉन वेज मोमोज नहीं कुछ। हाँ वो रखते हैं, नहीं वेज के लिए बता रही हूँ मैं ऑप्शंस, और जो कहीं पे ना वैसे ऑप्शन वगैरह मिलता है क्या?
पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। हेलो एडवर्ड, क्या बोल रहे हो? पिज़्ज़ा मिलता है क्या यहाँ पे कहीं पे? पिज़्ज़ा मिलता है ना इधर, आई थिंक मैकडी वाले देंगे शायद। मैकडी ओपन तो नहीं हुआ ना अभी। तुम ओपन कब प्लान किया तुम्हारा, कब ओपन करने का प्लान है? मैं सोच रहा हूँ सैटरडे या संडे को, जब ज़्यादा पब्लिक रहती है। ठीक है, मीन सैटरडे, कल तो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज अभी लाइसेंसिंग वगैरह का थोड़ा काम बचा है। लोअर पर नहीं आता ना, आज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। मैं नूडल्स रख सकते हैं वेज में। हाँ नूडल्स रख सकते हैं, नूडल्स कहीं पे नहीं है। ये क्या बोल रहा है, मैकडॉनल्ड ओपनिंग? हाँ देखो ना, आज ही है उसका ओपनिंग शायद। साढ़े आठ बजे का है। एक बैनर बना लोगे ना तुम वैसे, अगर सही होगा तो? हाँ बैनर ये बनाएंगे ना, पर्ल्स रेस्टोरेंट का। हाँ वही वही जाएगा। इसका नाम क्या रखा तुमने? पर्ल्स रेस्टोरेंट। पर्ल्स, ओके नाइस। ये सबसे यूनिक नाम है। क्या फ्रेंकी है? बीटीआर गेमिंग है। वैसे तुम क्या बोल रहे हो? बात क्या है अभी जैसे हमने फ्रेंकी टाको भी रख सकते हैं वैसे। टाको तो लोगों को बाहर मिलता है, यहाँ तो आएंगे लोग। और मैं बोलती हूँ चीज केक रखेंगे, ब्राउनी तो हर जगह मिलती है, चीज केक सही रहेगा। ये सारे चीजें तो हम एडिशनल दे सकते हैं एक्सेसरीज में, मेन तो सी फूड रहेगा। हाँ मेन सी फूड है, बट ये सब ना जैसे आपने बोला थोड़ा स्वीट भी होना चाहिए, तो मैंने सोचा चीज केक सही रहेगा स्वीट में। एक केक भी कर लेना अगर डेट वगैरह के लिए आते हैं लोग। ठीक है। अरे हाँ मैं पूछती हूँ, डेट के लिए आए ना तो उनके लिए थोड़ा स्पेशल रख सकते हैं, जैसे कि हार्ट शेप केक। क्या मतलब समझ रहे हो? क्या बोल रहे हो? हार्ट शेप का रेड केक जो डेट पे आते हैं। बट वो बेकरी तो मिलनी चाहिए अपने को जो बनाती है। अरे अरे बहुत इजी होता है बनाना, मेरे को आता है। अबे रॉ मटेरियल वगैरह सब जुगाड़ करना पड़ेगा ना। हाँ बट बहुत रॉ मटेरियल अगर सिटी में कहीं मिलता होगा तो ठीक है, बना सकते हैं। हाँ ट्राई न्यू जॉब। जैसे कॉफी शॉप में उनको रॉ मटेरियल से सब बनाना पड़ता है ना। पैसा अगर मिलता होगा तो कोई दिक्कत नहीं। और ये तो दूसरे कैरेक्टर की जॉब सही है। रॉ मटेरियल पता नहीं यार, वो लोग बोलते नहीं अपने, उनका वो कमर्शियल सीक्रेट है। तुम्हें वैसे पता कोई जगह यहाँ पे मिलता हो रॉ मटेरियल? नहीं, फैमिली वालों को पता होगा मे बी। पता क्या, अगर बिजनेस थोड़ा अपना चल पड़ा ना तो हम लोग ये मैगडी वगैरह तो आराम से खरीद लेंगे। मैगडी ऑलरेडी वो लोग खरीद लिए, अभी हम कहाँ से खरीदेंगे? नहीं मतलब अगर वो बाद में कभी सेल करेंगे, हाई प्राइस उनको ऑफर करेंगे ना, ऐसे थोड़ी होता है। आज वो ओपनिंग है और तुम उसका खरीदने का बात बोल रहे हो? अरे नहीं, जब बिजनेस ग्रो हुआ क्या बोल रहा हूँ। बट मैगडी वो तो तब की बात है, छोड़ो। पहले ये वाला अपने हाथ में है, ये तो देखेंगे ना इसके बारे में। ये देख लेंगे। तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेता हूँ मैं लॉयर से, बाकी तुम्हारे अगर कोई और दोस्त इंटरेस्टेड है तो उनको भी पूछ लेना। मेरे पास एक और लड़की है, उससे पूछ लूंगी टोक्यो। ठीक है पूछ लो। वो आएगी ना पूछ लूंगी यार, बट वो टोक्यो का भाई बहुत रोता है यार, वो एक बार देख लेना उससे बात करके। वो वैनिला के टाइम पे बहुत लफड़ा किया था उसने, वो अगर उसको पता चलेगा ना कि एडवर्ड ओनर है इसका तो वो कतई अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वैनिला के टाइम पे हमारा कुछ ऐसा झगड़ा हो गया था उसके भाई के साथ। मतलब उसका ये इशू ये कहना था कि वो उसकी बहन को जॉब नहीं देगा, करवाने देगा, बिकॉज वहाँ पे लोग सिम करते। अभी मेरे को बताओ, तेरे को बताओ, अगर राह चलते हुए कोई दो तीन लोग सिम करके आ जाते तो क्या चलना छोड़ देगी क्या? कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, इसलिए फिर वो पता नहीं उसका नाम क्या था, मेरे को याद नहीं आ रहा। जूनियर है,
शायद उसका भाई जूनियर 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 था कोई उसका भाई। अरे जूनियर नाम का तो तुम्हारा भी दोस्त है ना, वही एक ही है दोनों, तो वो उसका भाई है टोक्यो का। हाँ ना, टोक्यो का भाई है वो। हाँ अरे हाँ फिर तुम तो वो टोक्यो तो के तो सभी तुम्हारा भाई है। भाई, फिर तुम तो वो तो तुम्हारा भी दोस्त है यार, फिर वो तो तुम्हें भी मना हाँ कर रहा नहीं नहीं वो था। सिर्फ अरे एनिमे नहीं के लिए करता बोल वो। रहा था और ऐसे नहीं। हाँ अच्छा तो ये फिर तो ठीक है। मतलब हम डांस कर रहे सब भाई कहीं भी, और तो कोई भी जॉब कर सकता है ऐसा। हाँ तो फिर ठीक है, फिर तो फिर वो अगर आती है तो उसको कुछ और जॉब दे देंगे। ठीक हाँ, वो पूछ लूँगी इससे जब आएगी। है मतलब तो नहीं, थोड़ा एम्प्लॉयज का तो सेट है। एम्प्लॉयज का तो हो जाएगा। मेन चीज अभी पेपर वर्क तो सही है, बाकी थोड़ा वो मटेरियल का देखना पड़ेगा और हाँ कोडिंग वगैरह करना पड़ेगा थोड़ा, तो मैं करवा लूंगा उसका, कोई दिक्कत नहीं। तुम जाके थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कर लेना, जैसे हाँ कि मैं कर तो लूंगी बिल्कुल। बोलना है फूड रेस्टोरेंट आ रहा है, थोड़ी हाइप कर देना ताकि हाँ मैं कर लूंगी बिल्कुल लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। हाँ भाई चलो तेल पेरो पे बिल्कुल। बंदा आ रहा है, मजा आएगा। तुम एक क्या अच्छी सी गाड़ी दे सकते हो मैं वैसे, एक गाड़ी गाड़ी वैसे किस लिए? हाँ नॉर्मल कार। अरे मेरे पास भाई मेरे दो पास कार है, दो। एक कार मैं आपको दे देती हूँ। आपके पास कार नहीं है ना? अरे नहीं, मतलब लाइक ऐसे ही रोम करने के लिए, वो तो मैं खरीद हाँ लूंगा सैलरी आते ही। गाड़ी तुम मांग रहे हो या बोल रहे हो दे दे सकता हूँ बोले, या क्या बोल रहे हो? वो पूछ रहा है, मतलब पूछ जैसे रहा है। अभी अभी के लिए, अभी के लिए चलो गाड़ी तो डिपार्ट में होगी मेरी। कोई बात नहीं, फिर भी है हमारे पास। अरे हम लोग कल के लिए कहें तो वैसा पूछ रहा है, कार मिल सकती है आज के लिए ऐसे। अरे ले लेना, उसमें क्या है भाई, तुम अभी सी फूड के रेस्टोरेंट के एम्प्लॉई हो। मैं बोलती हूँ एक अच्छी कार ले लो, सस्ती वाली या कोई। मैं बोलती हूँ चीता ले लो तुम, पैसे अब बाद में जब तो वो 1 लाख थी ना चीता, इसलिए बोला मैंने। सही है। नहीं, अभी थोड़ा सेव करके ना मैं महंगी वाली अरे लूंगा। मैं क्या बोलती हूँ, एडवर्ट मेरे को 4 वीक्स की सैलरी नहीं चाहिए। क्या हाँ क्या बोल रहे हो, मुझे 4 वीक्स की सैलरी मत देना। क्यों? अरे जो कार ली ना उसमें कॉम्प्रोमाइज हो अच्छा जाएगा, हाँ मैं 4 वीक्स अरे फ्री में काम करूंगी, उसके बाद सैलरी होगी। अरे अरे, ये सुन के तुम मेरे आंखों में आंसू आ गए भाई। सैलरी में डबल कर देना भाई, ऐसे हॉनेस्ट लोग मिलते नहीं आजकल, सब तो पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। नहीं वो देख तो सकते। है। खाना तो मेरा यहीं पे हो जाएगा, देखो खुद ही के लिए थोड़ा बना लूंगी। अरे अरे सॉरी शूट के हाँ साथ लौटा दिया मेरा मुक्का। ना, अरे मैं क्या बोल रही थी, खाना तो यहीं पे हो जाएगा और क्या ही करना है मेरे को, कार भी है बस हो खाना गया। तो तुम थोड़ा बहुत बचा कुचा खा लेना पड़ता वही ना जो देखो जो सबके लिए पेरेंट्स बना है, के साथ। एंड में जो बचेगा वो हाँ हम ही अरे रहेंगे। बचा हुआ नहीं, तुम अलग से अपने लिए बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अरे नहीं, अगर देखो समझ लो मैंने ज्यादा केक बना दिया, देखो कोई और कम थोड़ा हुआ और एक आधा बच गया, खुद ही के तक हाँ लेके। हाँ वही तो। वैसे भी देखो स्टार्टिंग में थोड़े कस्टमर कम ही आएंगे, तो मेरे को लगता है सारे एम्प्लॉयज को ही खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, मछली का ऐसा रहता मैं अपने है। मछली फैमिली वालों को बोल के रखती, जो मतलब फैमिली नहीं पर फैमिली फ्रेंड्स जो भी उनको हाँ मान सकते हैं, कि यहाँ पे खा के ही जाना है दिन में 3 बार, हाँ और वरना सी फूड का ऐसा है ना कि उसको दूसरे दिन तक नहीं रख सकते, क्योंकि मछली का बहुत स्मेल आता है बाद में, हाँ ना इसलिए मैं उसको उसी बोलूंगी दिन ब्रो उसको थर्मल में वो रहो, छाना क्या कहते छाने हैं ना। उसको, क्या होता है भाई वो, क्या अरे मैं उनको ऐसा बोलते बोलूंगी हैं, ट्विटर पे 3 बार ट्वीट कोल्ड स्टोरेज। डालूंगी, चुपचाप आ जाना सब। हाँ हाँ तो बचा हुआ खाना तो फ्री में भी बांट सकते, कोई दिक्कत नहीं। फ्री हाँ हाँ का खाना रहेगा तो लोग लंगर समझ के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पता है क्या है, फैमिली हम जो फर्स्ट अंदर डे वो खाना सब फ्री जेलस रखेंगे, नहीं है सेकंड डे आजकल, स्टे तो अब तो मैं ओवर। अबे स्ट्रेट। मेरी मुंह की बात छीन ली भाई, मैं अभी यही बोलने क्या बोला, वाला था। मैनेजर है ना, फिर आइडिया तो आते रहते हैं। क्या क्या अरे क्या यार बोला?
ये बोल रहा है फर्स्ट दिन खाना फ्री रखते थे, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं ऐसा मार्केट बोलूंगी, अरे सैटरडे सुनो सुनो सुनो, ऐसा भी रखेंगे खाने के साथ ड्रिंक फ्री और पेप्सी पिला देंगे। ड्रिंक तुम खाली कर दो हमें। अरे 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 पेप्सी ड्रिंक पेप्सी नहीं दो दे अपने, सकते हैं, अरे नहीं कोल्ड नॉर्मल है। ड्रिंक। हाँ कोल्ड ड्रिंक अच्छा हाँ दे सकते हैं। वो हाँ तो सस्ती होती है, आराम से कोको ले कोला तो सकते हैं। मिलता है सारी दुकानें भी, दुकान में कोको कोला मिलता है। मेरे पास अभी पड़ा है एक जेब में, ये वाला दे अरे देंगे, अरे ये अरे वाला ना ना, दे पड़ा देंगे। अरे तुम्हारा बोतल इतना फीका फीका क्यों लग रहा है? तुम्हारा फीका फीका सा लग रहा अच्छा वो दूसरी तरफ से था। मेरे चलो मेरे पास भी है। पास। ये इसका कितना ब्राइट है। अरे तो सूरज की तरफ खड़ी रखी है ना वो सामने, यार हमारा तो बहुत मैं लंबा बता डिस्टेंस। रही हूँ, मैं अभी एक चीज खाओगी तुम लोग को नहीं दूंगी। क्या स्निकर? अरे सालो भाई उस दिन तुमने मुझे स्निकर ही खिलाया था इसलिए मैंने गैस मारा। मैं फिर लेके भी खाओगी कहते चॉकलेट। मैं बोलती चलो टैटू शॉप चलते, टैटू बनवाते हैं, रास्ते में डिस्कशन करते हैं। तुमने तो टाटू बनवा रखा है। हाँ एक और बनवाओगी गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? मेरी, हमारे पास ये रहा। थोड़ी स्टैंडर्ड सी कार है, तुम्हारे स्टैंडर्ड की तो नहीं होगी। यहाँ पे गैराज कुछ वाला बैठ है जाओ, क्या गैराज क्या? दिखते हैं। गवर्नमेंट वाले अगर अलाउ करते हैं तो गैराज भी बना लेंगे। हाँ ना, पार्किंग तो है बिकॉज ना? हम एम्प्लॉयज की कार कहाँ रहेगी। नहीं पार्किंग तो है ना सामने ही रखेंगे उधर डेल पे रोड में, जहाँ भी तुमने रखी थी अभी। कहाँ जाना है अभी? टैटू शॉप। तो काफी टैटू करके रखे हैं। हाँ, मैं सिर्फ एक और बना देती हूँ। अरे ये क्या हुआ क्या है? क्या हुआ, ये राइट पे यूएफओ। किधर है? अच्छा वो अच्छा तो क्या कहते हैं, मैंने बना रखा है ये, जिसकी भी शॉप है वो। और ये पीछे मैगजीन था ना, क्या हुआ? मुझे लगा ऐसा क्या हो गया जिसमें चिल्ला है। तुम जाके आ जाओ, मैं ही रुकता हूँ। हाँ ओह माय गॉड अबे देख नहीं रहा। कोई गलत आ गई।
नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा। ये राइट होता है। हेलो, पर मैं दिमाग में था, क्या बोल रही थी? कुछ हेलो बोला बस। बोला था? हाँ हेलो बोला था। हेलो, बना लिया टैटू? कहाँ हाँ बना लिया। पे? ये रहा मेरे हाथ में, ये डाई और राइट और डाई, वो दिख रहा कौन है? सा हाथ में? ये देखो मेरे हाथ में, लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में? राइट क्या क्या लिखा है? राइट और डाई। हाँ राइड और डाई। अच्छा, सही है। और उधर क्या लिखा है इस पर? इसमें ये तो रोज है, रोज प्लस कल। स्कल एंड रोजेस, मतलब तुमने तुमको कुंवारे किसी बताओ। तुमको किसी ने गुलाब दिया तो तुम उसका स्कल तोड़ दोगी, ऐसा है क्या? नहीं, रोज मतलब क्या कहते हैं, रोज मतलब है खूबसूरत सुंदर सब, बट इसलिए समझ रहे हो, सुंदर है रोज के जैसे, सुंदर है सब है, बट इविल भी है स्कल के जैसे, समझ रहे हो? इविल डेड। और हाँ तुमने इविल कहाँ डेड। बनाया था? तुमने भी स्कल बनाया छाती पे? वाह बेटे, गर्दन हमारी गर्दन पे देखो। अरे पे क्या बनाया? अरे, मेरे को गर्दन पे चाहिए बट दिखता नहीं है खुद। गर्दन पे क्या देखते बनाया? हैं, देखो ध्यान से, पता नहीं क्या है, बनवा लिया बस। रुको देखते हैं। नहीं, मेरे गजन दो तो लड़कियां दिखता नाच रही है ऐसे लग रहा है। क्या? नहीं क्या? नहीं, नहीं किसी को नहीं है, स्कल है, उसकी गजन स्कल बना हुआ की है। वजह से। अच्छा सही है, चलो चल चलते हैं। और इसके अंदर जा सकते हैं? इसके अंदर। ये क्या है? बोला नहीं, थिएटर है ये, मूवी थिएटर। अंदर क्या सकते हैं? नहीं अभी तो बंद है, इसको तो गाड़ी देनी थी ना तुमको। हाँ ना, कोई बात नहीं, मेरे मैकेनिक कब आएगा देखना होगा। क्या हुआ? मेरी कार अभी भी पंचर है ना। मैकेनिक तो आया, मैकेनिक तो है, किसी को ताका शाह की बोलते कोई मैकेनिक है वो। उसको कॉल करके मैकेनिक शॉप पूछ लूँ। अरे अरे ओ माय बैड, हेवी ड्राइवर। हेलो, हेलो, आप मैकेनिक शॉप पे हो क्या अभी? ओके, हमारे ओके। वो है, वो है, चलो 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 कार चलो। ले लेते हैं।
अरे अरे क्या कर रहे हो? हेलो हमने क्या किया? सर वो आप कहाँ से भगाते हुए उड़ाते हुए ला रहे हो बत्तियाँ तोड़ के? जी सर सर हम तो अरे तू जी सर है हाँ ना वो कार लेके आओ ये ठीक करानी है। अरे एक काम करो एक बात आप एक अपनी कार निकाल लो मेरी गाड़ी डिपोर्ट में होगी। हाँ मैं तब तक मैकेनिक जाके आती हूँ। ठीक है डिपोर्ट पे चल। हाँ जी सर बताइए आपकी गाड़ी। अरे रुको हमने देख मेरी नई गाड़ी। अरे रे यस वाओ जी बहुत सही लग रही है। ये इसमें लाइट है पता है कहाँ पे? और ये यहाँ पे इंजन चालू करने के बाद यहाँ पे लाइट लगती है सामने। अच्छा जब वो इंजन चालू कर तब देखती करो तो इंजन चालू देखो अभी दिखेगा लाइट दिखी? हाँ हाँ दिख रही पर ये रात को ज्यादा अच्छे से दिखेगी। रात को अच्छी लगेगी वही तो। हाँ अंधेरे में। हाँ ये तो देखता हूँ अभी इसका कुछ अपग्रेड है क्या। हाँ ऑडी ट्रॉन सॉरी सॉरी एक सेकंड क्या हो गया कौन बोला ये? वो मैकेनिक मैकेनिक बोला मुझे दिख नहीं रहा मैकेनिक है कहाँ? वो चला गया उधर पीछे है पीछे है। अरे इमली तुम्हारे ये पेट पे कौन सा टैटू बना है? ये स्पैरो है। अच्छा हाँ ना सही लगता है नहीं बहुत क्या क्या मेरे को ड्रैगन लग रहा मतलब फर्स्ट कौन आया था इधर? मैं ओके ये क्या करना है इधर? रिपेयर करनी है बस। अब मैं पहले मेरे पास दोनों के रिसीव हुए मैं तो किस वाले को पे करूं? फर्स्ट बोल रहा आज की ड्रेस कैसी है? ड्रेस मस्त है एकदम। देखो चेक करो बिल पे हो गया नहीं मेरे पास से कटे मैसेज बस तुम्हारा सारा है सारा सैलरी मेरे को लगता है कपड़ों में ही हूं। देख पिछली बार नहीं कटे थे मैंने पिछली बार मैंने देखो बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं नहीं दे रहा। आज मैं देखो पहले ही बोल रहा था कि एडवांस बिल दे सकते हैं मेरे को मेरा पैसे रख दो मैं ना मैं इधर ही कर दूंगा तो क्या मेरे पास से पैसे कटे हैं भाई इमराज ऊपर चलते हैं
सब पैटर्न वैसा मिलता है, मैं ना बहुत ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ मार्केट से। सही है, तुम इसके वो मतलब अपने कबर्ड में अच्छे से रखना इसको, अगर किसी की शादी रहेगी तो उसको सजेस्ट करना। अलग अलग सबको रखती हूँ मैं। क्या सही है, और ऐसा जरूरत नहीं तुरंत मिल जाते हैं, मेरे माइंड में ही रहता है आज क्या पहनना कल क्या पहनना है। टाइम देखो अपना, नाइस लगता है तुम्हारी घर की चाबी हमेशा तुम्हारे गले में ही रहती है। बताया था ना पॉकेट नहीं होती डिजाइनर ड्रेसेस में। अच्छा की किसको देंगे? 22। ओके कौन सी गाड़ी है वो? वो गाड़ी का रिपेयर करना है, और ये जो ईट्रॉन खड़ी है ना इसका मेरे को वो बताओ अपग्रेडेशन क्या है। अपग्रेड नहीं कर सकता सर। तो कलर वाले चेंज होगा ना वो? हाँ, हाँ, वो कर सकता हूँ। इसको भी बहुत अच्छे बनाएंगे आज। यस यस यार, वो सच बताओ बहुत मस्त चमकती है, यहाँ से देखो येलो शेड चमक रहे उसके। और जेम्स बॉन्ड क्या हाल है? अरे जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड कुछ बोलता नहीं है। जेम्स बॉन्ड डैनियल है नाम है ना तुम्हारा? हाँ अच्छा 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 समझ रहे हैं। तुम्हारे पास मरने का टाइम नहीं है ना? नो नो टाइम टू डाई। और क्या, बिजी पर्सन है ना भाई। कब समझ रहे हो क्या? और कितनी मूवी बनाने वाले हो जेम्स बॉन्ड की? सोच रहे हैं अभी तो 10-12 और। हमको भी कोई ब्रेक दे दो यार। फीस लगती है उसकी? फीस तो ठीक है, काम क्या है, कैसा क्या रहेगा? साइड में खड़के फूल उड़ाने। अरे अरे ऐसा काम नहीं करना। अच्छा मेरे को एक बात, तुम कभी लव स्टोरी नहीं करते हो क्या? अरे नहीं भाई, हमेशा ये मारधाड़ी पसंद है क्या तुमको? हाँ बंदूक, बंदूक तुम्हारी जान है। ये बंदूक तो तुम्हारी लैला है ना? हाँ, किसको मैं भेजूं? मुझे पेपर। ये मैडम को बिल भेजो। क्या 15? एक सेकंड, मुझे नंबर प्लेट लेना है। अरे मैं क्या बोलती हूँ, मैकेनिक वाला ना मुझे बहुत लूटता है यार। एक बार मैं दिखाती हूँ, रुको रुको, बिल में है मेरे। क्यों लूटा है? एक तो ये क्या कहते हैं, मेरे में है भाई। ये गाड़ी का नाम क्या है? विजन। और आपका नाम? मेरा एमिली रोज। हो गया। क्या बता रही हूँ, इनकी चाबी दे दो 22 पर। एक मिनट दे रहा हूँ। कौन सा कलर? कौन सा कलर रखने का? क्लासिक प्राइमरी। प्राइमरी
अरे इस पे लिवरी ब्लैक है या भाई, व्हाइट? पहले तो लिवरी लिवरी देखो। दे, लिवरी है क्या? देखो कोई ना तो ब्लैक रखना या व्हाइट रखने का? मैं बोलती हूँ बीच में ये वाला ब्लैक सही है, और साइड का कलर चेंज कर। साइड में तो फिर कौन सा दिखाऊं? मेरे रेड से करो भाई, को इसमें ब्लैक पूरा सही लग रहा है, ब्लैक ब्लैक भी अच्छा देख लगता लेते हैं एक बार है। रेड कौन करो, सा। रेड करो। मैं अच्छा आइडिया देती हूँ, साइड में ब्लैक कर दो, और ये जो ब्लैक है ना उसको दूसरा कलर कर दो। तो ये मैं ब्लैक कर दूं? हाँ ये ब्लैक कर दो, और जो मैट ब्लैक दूंगा। मैट ये हाँ यस, और ये जो सेंटर में ना उसका चेंज कर वाला दो। चेंज कर सकते क्या? सेंट वाला नहीं होगा शायद। होना चाहिए टिकटन। एक सेकंड, नहीं होगा नहीं हो रहा ना तो वो ना, ये मैट ब्लू हो सकता है। पर मैंने तो डाल दिया है ऑलरेडी। अरे चेंज कर दो ना उसकी क्या। अरे अच्छा चलता है ठीक। हाँ मैट ही अच्छा लग रहा है, ये कौन मैट। हाँ दूसरा कलर है सा ब्लू ब्लू? में। ना डार्क ब्लू है ये। नहीं ब्लैक ही अच्छा लग रहा है, ब्लैक ही रख दो। पूरा ब्लैक हो जाएगा फिर। उस पे शाइन देखेंगे ना लाइट कौन। ग्रे नहीं, ना, ग्रे है, फिर आइस व्हाइट, ब्लू, डार्क ब्लू, मिडनाइट, मिडनाइट पर्पल, ये अच्छा शाफ्टर। मिडनाइट पर्पल लिखो। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ब्लैक से। हाँ ठीक है, बट इसमें शाइनिंग वाला आता है क्या? मेटालिक में हाँ, मिडनाइट पर्पल। एक सेकंड, अच्छा लग रहा है शाइनिंग। डाल दो। और ये बीच का कलर चेंज होते क्या? देखो आई थिंक सो। मैं ही डाल दूँ क्या मिडनाइट पर्पल? डाल दो डाल दो। हाँ चेंज हो रहा है, देखो कौन सा कलर। तेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा बीच में चेंज नहीं वो होता हुआ। टायर्स का चेंज हो रहा है, टायर्स का चेंज हो रहा है दिख रहा है। नहीं कहीं नहीं बीच का चेंज टायर चेंज नहीं कर रहे हो आप, टायर व्हाइट रखो। है। ओके सेकेंडरी कलर कौन सा है बताओ? आपको अंदर एक ब्लू लाइनिंग दिख रहा है सीट के अंदर, वो चेंज हाँ होगा। हाँ सेकेंडरी कलर वो होता है क्या चेंज? ये मुझे देखो ये व्हाइट सब। अच्छा लग रहा है हाँ सेकेंडरी, एकदम स्नो ये व्हाइट। हाँ ये हाँ ठीक है। बाकी क्या ग्लास? ये हाँ फिर इंटीरियर कलर देख लो। इंटर वाइट रख दो। ये अच्छा, ब्लैक ओके भी अच्छा है। ब्लैक कर ला एक बार। ये सही है, ब्लैक सही है। ब्लैक सही है। और ये विंडोज का कुछ होता है टिंटेड? हाँ एक सेकंड, आप ये देख लो कैलिपर का कलर देख लो। किसका? ये जो व्हील के बीच में वो, एक सेकंड ये दिख अच्छा रहा है? अच्छा अच्छा समझ गया। हाँ 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 इसको वो पर्पल ही कर दो, पर्पल अच्छा लगेगा। नहीं लाइट कलर अच्छा लग रहा है वहाँ। येलो करो, पर्पल करो कि येलो? येलो पर्पल। येलो येलो करो, येलो करो। एक मिडियम सेकंड, ये ब्लैक येलो, रेस येलो। कर दो, ब्लैक ब्लैक अच्छा दिखेगा ही नहीं लगेगा। ना फिर वो तो। पर येलो वाइट है ना इसके दिख ऊपर जाएगा। फ्लोरेसेंट येलो डाल देंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है डाल दो ये। हाँ डाल दो।
फिर विंडो टिंट एक ये है प्योर ब्लैक पीछे का सिर्फ होता है भाई दो प्योर ब्लैक सामने नहीं होगा आई डोंट थिंक सो तुम क्या बैठे हो विंडो ओपन है फिर ये ग्रिल ये आपको चाहिए और क्या है ये आगे देखो अच्छा हाँ बताओ ये चाहिए हाँ करो ये है ये स्टॉक है नहीं ये दूसरा वाला रखो ठीक है हाँ ये वाला ये वाला चाहिए हाँ और रूफ ये स्टॉक है ये ट्रांसपेरेंट बन जाता है कौन सा रूफ बताओ ऊपर और फिर आपका हॉर्न आता है कौन सा हॉर्न नॉर्मली रख दो नहीं तो कुछ म्यूजिकल भी रख सकते हो नहीं ना ओके फ्लोरेसेंट डबल व्हाट येलो इसमें सेकेंडरी कलर चेंज नहीं होता क्या जैसे शाइन आती है देखो अलग सी हाँ वो पर्लेसेंट होता है हाँ डाल दूँ एक सेकंड हाँ हाँ ये अच्छा हाँ ये गोल्डन येलो येलो हाँ ये मैं कलर सजेस्ट कर दूँ सिंस आपने मिडनाइट पर्पल डाला है एक सेकंड ये नहीं गोल्डन डालो ओके हाँ ये वाला ये वाला रहने दो व्हील्स बदलना है आपको व्हील्स में यही वाले अच्छे लग रहे हैं ये रहने दो नंबर प्लेट कौन सा कलर नंबर प्लेट व्हाइट जो था ये छोड़ दूं नंबर प्लेट येलो ठीक है ब्लैक या येलो हाँ ये भी ब्लू भी अच्छा लग रहा है पीछे करो इसके पीछे ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है नहीं नहीं हाँ ये कौन सा व्हाइट या ब्लैक व्हाइट वाला इसके पीछे करो तो पहले व्हाइट वाला कर दो हाँ ये ही सही लग रहा है लगा दूं हाँ पीछे कुछ है नहीं क्या इधर ये यहाँ पे पीछे कुछ है नहीं क्या रे बम्पर नहीं है नहीं बहुत कम कस्टमाइजेशन है इसमें वीडियो में और ये मतलब आपके पास एक एक्स्ट्रा है मैं ना ये एनिमेशन का लाइट चेंज होता है क्या एक सेकंड एक बार गाड़ी चालू करना एक बार आप पीछे जाओ ना एक सेकंड आपको एक एक कस्टमाइजेशन बचा हां बताओ पीछे पीछे येलो अच्छी लग रही है वो आपको स्पॉइलर के नीचे देखो ये आपको दिख रहा है ब्लैक हाँ हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है चाहिए आपको हाँ हाँ कर दो कौन से वैसे एक ही है ये ओ नहीं तीन है एक ये है ये चाहिए आपको और दूसरा फिर दूसरा होगा ये स्पॉइलर हटाने के लिए नहीं नहीं स्पॉइलर लगा दो ठीक है ये वाला ही रहने दो फिर एक ये होगा नहीं वो मत डालो अरे नहीं ये आप ये ब्लैक डाल दो क्या ट्रेन का डिब्बा वाला कर वही तो और ये एक बार इंजन बंद करके चालू करना ये कौन सी कार है पीडीएम ईडीएम है पीडीएम ईडीएम है पीडीएम में कौन सी मिलेगी ये ऑडी बस नहीं ये एनिमेशन क्यों नहीं दिख रहा क्या एनिमेशन सामने में एनिमेशन दिखता है क्या कहाँ दिखता है ये ट्रॉन के बाजू में अरे अपना बम्पर चेंज हाँ अभी चालू करो इंजन बस आया ना नहीं दिख रहा एनिमेशन नहीं दिख रहा वो लाइट आया देखो वो शायद अंदर की लाइट है ब्लू जो ब्लू थी इसलिए वो ब्लू दिख रहा था अरे नहीं 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 ये बम्पर पर देखो 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 इधर देखना ठीक है ये जो व्हाइट स्ट्रिप है ना ये जो व्हाइट स्ट्रिप उधर देखना ठीक है कोई देख रहा
अरे वैसे एक लाइन जा रही थी पहले ब्लू, ब्लू हाँ आपने ये चेंज किया ना सेकेंडरी, तो अभी अच्छा व्हाइट तो है। व्हाइट व्हाइट की जगह कोई और हाँ कलर करो। कोई और हाँ कलर दिखेगा? यस आप अगर सेकेंडरी चेंज कर दो तो। हाँ हाँ सेकेंडरी कलर करो चेंज। एक सेकेंड, ये देखो दिख रहा है आपको हाँ हाँ दिख रहा है करो चेंज कौन सा करके कलर? करते जाओ हम बताते। ब्लू। कौन सा आगे जाओ, कलर? रेड करो तो ट्राई। आगे तो जाओ। ये हाँ येलो हाँ ये ओके बंद करता हूँ चालू चालू करो। नहीं यस हो रही है हो रही नहीं देख रहा है। दिख रहा है दिख रहा है। वो बंद करो देखो गायब हो गई। अब चालू करेगा वो तो अरे आई। वो ऐसे एनिमेशन जाता था पूरा, ऐसे लाइट घूमती थी। हाँ सर अभी भी हो रहा है मुझे क्यों नहीं दिख रहा? आपकी आंखों में कुछ इशू होगा। ठीक है फिर कंफर्म कर दो। किसको बिल भेजू? सबसे अरे अगर एक ही है आपका पेपर जेम्स बॉन्ड को भेजो बिल। पेपल अरे मेरा मूवी का वो आया नहीं, अभी पैसे आए नहीं। मेरा पेपल पेपाल है 19 19 कितना होता है? 19 19 ओके कॉन्वेंट से हो क्या? मत करो ऐसा यार। होता इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज था मैं क्या करूं। है होता है। उसका सर्वर फट गया, वो नहीं करवाना चाह रहा गाड़ी अब। थैंक यू। इसको मेन धोना है गैरेज में क्या डालूं या बाजू में डालूं? क्या क्या मेन गैरेज में डालूं या बाजू वाले गैरेज में चले गाड़ी? जा भी डालना जा दो। चलो आ जाओ सुनो सुनो आ जाओ। एमली अपनी गाड़ी लेके आ रही थी। हाँ नहीं इसको पार्क करो कि मिनट। ओ सॉरी अरे 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 हो गई। अरे अली तुम्हारी गाड़ी यहीं पे रख दो ना। नहीं नहीं मेन गैरेज रखती हूँ। ठीक है वहां आ जाओ। लाइट आती कहाँ पे है लाइट? अरे देखो सामने। हाँ हाँ आ रही आ रही आ रही है। ये देखो घूमती है पूरी है ना? हाँ हाँ ना वही। वो बहुत सही लग रही है घूम रही है। पीछे वो लगा है ना उस पर भी घूम रही है। हाँ जाना हाँ जहाँ आप ले चलो हम वहाँ नहीं रह रही है। कॉफी शॉप चलते हैं। कॉफी शॉप खुला अरे है क्या? काका का ढाबा खुला है पता नहीं, जाके ही पता चलेगा। आज चिकन लेके रखते हैं। मैं तो घर पे भी रख दूंगी दो तीन। वो आने वाला क्या? वो मॉर्गन आ भी सकता है। चिकन खाने को नहीं मिला तो वहाँ लेके पुराना हो ऐसे जाता है गया। हाँ ना ये है ना भाई मैं तो अजीब पहली बार शॉप है देख उसका। रहा हूँ। मेरे पास ईडीएम कार्ड
अरे आपका तो घर ही गायब हो गया, मैंने देखा, मैंने वहां बाइक रखी थी एक दिन लेने के लिए, मतलब है गैराज नहीं, मतलब ये घर चेंज हो गया। ये पता नहीं पूरे ये ऊपर नीचे होता है, हाँ ना। अच्छा बस भाई ये चीज क्या है, घूमता बोले, अरे वो देखो उसका क्या कहते हैं, वो बैनर, हाँ वो घूमता है वो, हाँ ठीक है। तानिया भी तो इधर ज्यादा क्या आ गया तुम्हारा ढाबा बंद लग रहा है, ओनर दक्ष है ना इसका, पता नहीं। हाँ दक्ष है, दक्ष है। अच्छा। याद है ना मुक्के मारे तुम बेचारे। हाँ। यार ये बहुत सही जगह लगती है मेरे को, ये जैसा दिख रहा है ना बहुत सही है, ट्रेन टाइप लेट इसका बड़ा ठीक है, साले खुला नहीं रखते, बिजनेस चलेगा कैसे इनका मुझे नहीं समझ आ रहा। मैकडोनल्ड चलो जरा देख के आते हैं वो भी, हाँ देख सकते हैं मैकडोनल्ड है कैसा। बाप रे मैकडोनल्ड पीछे रह गया, ड्राइव थ्रू का क्या उसमें, क्या बोलो, ड्राइव थ्रू पता नहीं, हाँ शायद है देखते हैं। बस लगे हुए ट्राई करेंगे, अरे अच्छा चलो चलो फिर देख के आते हैं। चलो जाए कैच ली, वैसे ये चीज किसी ने नहीं की ना फर्स्ट डे फ्री फूड, ना इस चीज से अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अपना, पता दावे और ने किया था शायद, मुझे कोई याद नहीं। ड्राइव थ्रू पार्किंग कहाँ है इसकी, मैकडोनल्ड्स पता है बहुत ऐसा लगता है क्या कहते हैं अपने, ज्यादा मजा नहीं है, हाँ ना बहुत सिंपल है वही तो, कॉमन सा कितना ना। कितना बहुत सिंपल है, ऐसे लग रहा है रेलवे का टिकट काउंटर है। सच एक तो सच बोला होता मेरे माइंड में वही आया था, अरे पिकिंग ऑर्डर मैकडॉनल्ड्स खुल गया क्या सर, नहीं सर 8:30 को खुलेंगे। अच्छा अच्छा, वैसे मेन्यू क्या क्या होने वाला है सर, लॉस सैंटोस टू सैन एंड्रियास स्टेशन का टिकट मिलेगा क्या? अरे रेलवे का टिकट काउंटर जैसा लग रहा है ना, इसलिए हमें लगा कि टिकट मिलता होगा। ये तो सही है सर, अरे देख सर सच में लग रहा है रेलवे का टिकट काउंटर तो, मतलब ऐसा ही होता है। हेलो, हाँ बहुत सुनसान लग रहा है ना, खाली खाली सा। हाँ वो तो बस थोड़ी देर के लिए खाली खाली है, फिर तो फिर मैं तो पूरा का पूरा बिजी हो जाऊंगा। तो थोड़ा और डेकोरेटिव होना चाहिए था ना, आपको नहीं लग रहा? वो तो है लेकिन जो बिल्डर साइड से बिल्डर, हाँ बिल्डर की बिल्डर की गलती है। सच है तारीफ बहुत सुना सुना लग रहा है, समझ रहे हो, बहुत जगह खाली है, लाइक अच्छे से और थोड़ा हो सकता था। हाँ बिल्डर थोड़ा नल्ला निकला शायद से, हाँ ना कोई चेयर पे बैठ भी नहीं पाएंगे। वही ना, कॉफी शॉप देखो कितनी सही है, मतलब उधर थोड़े ऊपर ऊपर जगह दी है, इसको भी बिल्डर सही बना सकता था, चेयर पर भी बैठ भी नहीं पाएगा ना। सोफा वगैरह और सामने उसका टेबल वो अच्छा लगता है, बस वो बात तो कर रहे हैं सभी करते, वैसे चेयर तो बहुत छोटी छोटी सी है।
वही देख रहे हो नेफ मसल वाला जो सिस्टम है वो शायद से डाल देते। अच्छा क्या करा एडवर्ड सर, बोलो बोलो। आप बिल्डर हो ना? क्या बोल रहे हो? आप बिल्डर हो ना? हाँ तो सर जरा इधर कुछ कर दो ना, बैठने की व्यवस्था जैसा कुछ, क्या करूँ? सिटिंग सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई बैठ नहीं पाएगा ना। अरे मैं कमर्शियल नहीं, मैं रेजिडेंशियल वो अच्छा करता ऐसा हूँ, हो क्या? कंस्ट्रक्शन। मैं कोई जान पहचान हो तो बोलना ऐसे कमर्शियल का। ठीक है नहीं बात तो सही, चेयर बहुत छोटी छोटी, बेचारे बैठेंगे कैसे? समझ लो किसी का भी ज्यादा हुआ और बैठने का ट्राई किया और फंस गया चेयर में। दो होता साल का बच्चा आराम से बैठ जाएगा। है, दो बाहर लिख दो ना, मैक साल के बच्चे के एंट्री से किड्स बिलो 2 ईयर्स ओनली, 18+ स्पेशल बोलते हैं सीट ना, फॉर तो तुम किड्स, बोलना माइनस 2। स्पेशल सीट्स फॉर किड्स। वरना वीआईपी लोगों के लिए हमारा मेरा ऑफिस रेडी है। यस ऑफिस किधर ऑफिस ऐसे ऐसे पीछे मतलब ना भाई, एक चीज करनी पड़ेगी तुम्हें, ड्राइव थ्रू ही रखो सिर्फ, ये वो है थ्रू ना में ड्राइव। वो उधर कुछ रखा है, इधर ट्रेनिंग दिया है, ट्रेनिंग। अच्छा अच्छा नहीं हाँ ड्राइव थ्रू का भी अच्छा ऑप्शन है वैसे, या तो थोड़े सोफे डलवा दो यहाँ पे कहीं पे। हाँ वही बात कर रहे हो सर। हाँ ना, इट्स जेनी, हाय वेलकम टू माय स्ट्रीम। वरना जैसे कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई चीफ भी हो, भी है कि लोगों के लिए स्पेशल कैब देना। हाँ ना, और थोड़ा आज ओपनिंग है कुछ ऑफर ऑफर? है ना डिस्काउंट है आज के लिए, हाँ कौन कितना डिस्काउंट हम आएंगे, कोई कोई आइटम्स सारी पे कुछ डिशेस रेसिपी है। मिलेगी ना हाँ पर जो मेन्यू में। हाँ मैं जो यहाँ पे मेरे को दिए रेसिपी बुक मेरे को दिए वो सारी है। क्या ओके क्या क्या है वैसे, क्या क्या है वैसे? वैसे एक वेज रैप है, चिकन रैप है, फिर हाँ वेज बर्गर, चिकन बर्गर, फिर मैं भी भूल गया क्या था। और कोई एम्प्लॉय नहीं है क्या आपके पास? नहीं अभी तो फिलहाल नहीं है, एक सेकंड देखते बोलता हूँ। तो आपने ओपनिंग भी कर मैं दी, भी देख भूल गया। ए हम ऐसा नहीं कर दिया, रहे हो कितना कंजूस है, क्या बोल रहा है? एम्प्लॉय भी नहीं रखा इन्होंने तो। ये अकेला संभालेगा? हाँ नहीं, और आए नहीं है और अकेला। आएंगे अच्छा ना, अच्छा अच्छा बट इनका तो कॉफी शॉप भी है। नहीं कॉफी शॉप, मैंने को कॉफी शॉप से मेरे को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। क्या अच्छा नाम है अच्छा आप तुम्हारा? कॉफी शॉप में थे? अरे अंबानी सिंह। अच्छा अंबानी अंबानी अच्छा अरे यहाँ हाँ कैसे? हाँ अरे आपके बिल्कुल। पास तो इतना पैसा है, आप 100 मैगडी खोल सकते हो, काम क्यों कर रहे हो? अरे सर कहाँ पे हेलो, पैसा है सर? अरे पर मैं क्या बोल रही थी, हम अभी काका के ढाबा जाके आए, यार कोई है ही नहीं, जब हाँ भी वहाँ जाते पे हो तो बंद कोई नहीं है। रहता है। नहीं, यहाँ पे तो नाइट के टाइम पे 7 7 या फिर 6:30 से मैं अवेलेबल होगा। हमने उस काके के ढाबे वाले को उस दिन अच्छा बहुत पीट दिया, वो आना बंद कर दिया यार, अरे 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 उसने मेरे को डर गया वो, आंटी बोला तो जूनियर और इन्होंने मिलके धर दिया उसको। वाह और मम्मी बोल मेरा रहे थे कॉफी क्या ही शॉप कर से रहे। ना, कॉफी शॉप से निकाल रहा था बंदों को, तो हाँ वो दक्ष बेचारे। ना, हाँ ना, हाँ हाँ वो, हाँ उस दिन मेरे को याद है। तो कितना अभी वो तो मारा हॉस्पिटल था में हो, इतना मारा कि वो हॉस्पिटल से आया नहीं अभी तक। नहीं, आ चुका है लेकिन पता नहीं खोलता नहीं है, को जाना है उधर से चिकन लेना है, बेड रेस्ट आता कर ही रहा है। नहीं। वो सुबह के टाइम पे आता है। चलो चलो सही है। चलो मिलते हैं ओपनिंग पे। हाँ ओके ओके बाय चलो बाय। 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 फ्री में कुछ दे रहे क्या ये पहले भी? ना ना ऐसा तो कुछ नहीं, डिस्काउंट है सब। हम पहले भी सारा फ्री देंगे, जितना चाहे उतना खाओ, पेट फटने तक खाओ। अच्छा मैं अरे मैं तो पीछे कैसे बैठा? बोलो,
मैं पीछे कैसे बैठ गया? आप ना ऐसे बैठते हैं ना, आपको याद ही नहीं रहता मुझे मॉडरेटर बनना हो, लाइक से सपोर्ट करो। अरे मेरे मतलब मैंने हमेशा ड्राइवर रखा है ना, तो मेरे को पीछे बैठने की आदत लग गई। ऐसा क्या? अभी ना मॉड रखे नहीं है, जो मॉड होते हैं ना उनका वो नहीं आता। अभी कहाँ चलना है? तो मैंने कुछ दो लोगों को रखा है, जिनको मतलब हो जाए ना मोनेटाइज, फिर मॉड बनाऊंगी दो तीन। पिंक सैंडविच बोल के कोई रेस्टोरेंट है देखो, ट्वीट पे पूछे क्या कोई रेस्टोरेंट ओपन है देख लो। करा के ट्वीट एक और बार मैसेज करो देखो। अलीशा मैगडी 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 वाले बोलेगा साजन बचा जॉब भी। अरे टाइमिंग बहुत लेट है भाई खोलने के लिए। नहीं सही टाइमिंग है, अभी तो कोई हॉलो है नहीं, तो अभी खोल के क्या करेंगे। रायन जॉनसन केन विलियम किसका एम्प्लॉयर है उसको पूछो कौन सा। ये अंबानी तो ईमेल पे भी भेजा था इनविटेशन। क्या क्या? ये अंबानी ने इनविटेशन ईमेल पे भी भेजा था। अच्छा नाइस। कॉफी शॉप अच्छा, इसने कॉफी शॉप ओपन है। चलो अपन क्या करेंगे, खाना उधर से लेके अपने रेस्टोरेंट में बेचेंगे। बस लाइसेंस मिल जाए बाकी ना, करी है मैं बोल रही हूं बाद में प्रॉफिट करें तो ड्रिंक्स का भी लाइसेंस निकालने का ट्राई करेंगे। क्योंकि देखो नॉनवेज के साथ ना लोग प्रेफर करते ड्रिंक। वो तो है, सही है, वो बात सही है। चलो हेलो सर। हेलो, तो मैकेनिक है? अरे तो मैकेनिक वाला है। मैकेनिक सर यहाँ पे क्या कॉफी मशीन रिपेयर करने आए हो क्या? नहीं खाने आए हो। तो ये सारा सामान लेके आने की क्या जरूरत है आपके औजार? वो शर्ट निकालना पड़ेगा, ये सब चिपका हुआ है यार, क्या करें सर। पर आपके सर पे पूरा गंदा ग्रीस ग्रीस लगाया है। जा रहा हूँ यहाँ, जा रहा हूँ। अरे 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 बुरा मान रही है भाई, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। बट उसके कपड़ों पे ग्रीस लग गया था रे, मैं उसको उल्टा अनहाइजीनिक लग रहा था। कॉफी शॉप ओपन है बोला, कहाँ है बंदा? क्या बोल रहा, मैं किचन में हूँ। किचन कहाँ है इनका? इधर है, इधर इधर। हाँ फिर बट अपने को खुला है। और केन भाई क्या हाल है, क्या बना रहे हो? ठीक है आ जाओ ऑर्डर लेने। डोनट बना रहा है बंदा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम इनको इनको यहाँ से सी फूड बनवा के वहाँ लेके गए तो सही रहेगा। एम्प्लॉयज इनकी सैलरी कितनी है? हेलो गाइस, वो ग्लिच है, वो जीरो शो ना, वो मुझे भी जीरो शो होता है हर बार। ग्लिच है यूट्यूब का थोड़ा। खाने में क्या है? खाने में हमारे पास है डोनट्स है, गार्लिक ब्रेड है और पास्ता है।
नहीं आपकी वॉचिंग क्या लग काउंट गई? नहीं होगी मॉड हो पा आपकी वॉचिंग काउंट नहीं होगी उसमें तुम वॉच की नहीं होती। हाँ क्या क्या है? व्हाइट पास्ता है, चीज पास्ता, रेड पास्ता, टोमेटो पास्ता, डोनट्स, गार्लिक ब्रेड और डोनट्स खा लो। ओके कितने को गार्लिक ब्रेड दो? ठीक है ठीक है, मेरा चीट डे नहीं है ना आज, नहीं तो मैं खा लेता। ठीक है ठीक है सर, कितनी गार्लिक ब्रेड देनी है आपको? दो दो। और मैम आपको डोनट्स कितने देने? दो। ठीक है, टू डोनट्स टू गार्लिक। आपके लिए क्या क्या पास्ता? पास्ता व्हाइट और रेड? रेड। ठीक है, तो ये मुझे पूछना गर्म या ठंडा? अरे लो, क्या हुआ इनको? क्या हुआ? अरे मर गए क्या? अरे आपका फोन गिर रहा है नीचे शायद। क्या फोन गिरा है मैडम? लीव नहीं रे गलती से हो रहा है। टू डोनट्स, टू गार्लिक ब्रेड एंड टू रेड पास्ता। कहाँ रखे हो? इधर ट्रे में। ओके और ड्रिंक्स में क्या चाहिए आपको? नहीं ड्रिंक्स तो नहीं, मेरे को तो नहीं चाहिए, तुम देखो क्या चाहिए। ड्रिंक्स में क्या क्या है हमारे पास? हॉट चॉकलेट है, कोल्ड कॉफी है, हॉट कॉफी है और डिजर्ट में हमारे पास आइसक्रीम है। आइसक्रीम चाहिए? ठीक है ठीक है। ओके सर, तीन करना आइसक्रीम। थ्री आइसक्रीम? ओके सर। नहीं मैं नहीं खा रहा, मैं खा रहा एक कोल्ड कॉफी। अच्छा एक कोल्ड कॉफी ये तुम खुली तीन खा लो। हां हां तीन दिन आइसक्रीम। ये जो तुम्हारे पेट में है ना, ये जो स्पैरो बना है ना, हां ये बिग स्पैरो बन जाएगा एक दिन। अरे अरे नहीं नहीं मोटी हो जाओगी। ऑर्डर रेडी है? हां जी। मैंने तो ब्रेड ले लिया, तुम तुम्हारा ले लो। सर आपके इधर लोग दारू पी के पड़ते हैं क्या? देखो यहाँ पे एक बंडा या बंडी कौन है गिरा है। सर ये ना मैं ईएमएस को मैं कॉल कर दूंगा, दारू तो नहीं हमारे अलाउ है, मे बी शायद इनको डिहाइड्रेशन। सर वहाँ पे विस्की का ग्लास दिख रहा है मेरे को, देखो। ले लिया मैंने तो नहीं। अरे विस्की है? हाँ विस्की है। रोज तुमने ले लिया? ऊपर बैठते हैं ना। हाँ ऊपर से वहाँ पे दो सीट। सर वो बिल किस पे बना दो? पेपाल बिल? हाँ के पे करते हैं। 15 ठीक है। क्या खा रही हो? पास्ता आइसक्रीम? क्यों मेरे सामने खा रही हो यार? अच्छी है, मेरे को भी मन कर रहा। खाओ खाओ कोई नहीं फूड। डोनट। अरे आइसक्रीम लास्ट में खाना होता है, तुम उल्टा कर रही हो। हाँ ना मैं उल्टी पैदा हुई थी, उल्टा काम करती हूँ। बिना चमचा लिए सारा खा गया। अरे अरे बांटती हो तुम? वन टू थ्री गायब।
देख रहे हो जादू? अरे ऐसे भाई छोटे मोटे भाई जादू मैं करता रहता हूँ। चबा के खाना चाहिए, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होता। क्या हुआ, कुछ नहीं। खड़े क्यों हो? बताओ क्या करने का, कहाँ तुम बताओ। बताओ पे? बताओ। हाँ यहाँ से कुछ खाना स्टार्टिंग में लेके जा सकते हैं अपन, ये तो है। हाँ सी फूड में बेचने के लिए। तो पेपर वर्क करा लो पहले, उसके हाँ यार बाद लॉयर एम्प्लॉय नहीं। एम्प्लॉय ढूंढेंगे जाके। अरे नहीं वो लॉयर से ढूंढ सकते, वैसे सिक्योरिटी वही बोल रहा हूँ ना मैं, बाद में मुश्किल ना हो। बस की जरूरत पड़ी क्या अपने को? हाँ सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, पब्लिक प्लेस तो सिक्योरिटी है। मतलब कोई जो कपल्स आते हैं उनको कोई परेशान कर रहा होगा तो। और ये अरे याद नहीं रखना फाइव ढूंढ स्टार रही। है, फाइव स्टार है ठीक है। अरे अभी लोग अगर सर्विस कोई है, अरे फाइव स्टार ही देंगे, वो तो कोई बात नहीं। गुंडे टाइप लोग भी आते हैं, वे फाइव तो स्टार। बहुत ऐसा ना, मैं ड्रेस कोड रखूंगा हेलो सर, सर्विस करने वालों का, नमस्ते। मैनेजर का एंड जो शेफ का उसका, जिससे इम्प्रेशन अच्छा एक बढ़ेगा। मिनट, हाँ मैं बोलती हूँ पैराग्लाइडिंग करने जाना है। पैराग्लाइडिंग क्या? वो कहाँ होती है? अरे इसने भूत नहीं देखा ना, इसको दिखाया क्या वापस भूत? हाँ चलो चलो भूत देखने चलते हैं ना। नाइस इसने भी प्लान, देखा ठीक है चलो। क्या पता इसकी गर्लफ्रेंड हो। हाँ ना पहले ठीक है यार, अगर कोई गिरा हो तो। चलेंगे मेरे लोग ऐसा कैसे? वो एक्चुअली क्या होता है, जब आप लोग सिटी में आते हो ना, अरे अगर पुलिस उससे पुलिस पहले पुलिस मैंने मेरा भागो, फोन पुलिस आई, लॉक किया पुलिस है आई, तो वो भागो आपके लिए लॉक भागो कर रहा हूँ। अरे मेरे जेब में तो ब्लैक मनी है, जल्दी चलो। भागो 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 अरे भागो, मेरी जेब में ब्लैक मनी मेरे पास है तो। वेपन लाइसेंस नहीं है, वेपन है। खाली खाली अरे भागो भागो जल्दी भागो, रखो पुलिस आ रखो। गई। रुक रुक बाबा सच में वेपन है सर। अरे मैंने एक सच बोल दिया गलती से, कोई बात नहीं क्या? कोई बात नहीं। अब मैं नहीं बताऊँ कि मैंने ऐसा बोल दिया, मेरे पास वेपन है और वेपन लाइसेंस नहीं है, और मेरे पास सच में मैंने वेपन भी लाइसेंस तो नहीं है। कोई ना उनको पता है हम मजाक कर रहे हैं। शायद मैंने सही मार्क किया, बट वहां जाके देखेंगे। हाँ ना, एक मिनट में आई। गाड़ी रोको क्या? चलो चलो, वो वैसे दिमाग में मेरे को लगा चलती गाड़ी में से कैसे जाके आएगी ये। देख रहे हो जॉय ड्राइविंग? अच्छा अच्छा देख रहे हैं देख रहे हैं। नजर तो लग गई। से डर लगता है? टाइम कितना हुआ? भूत से? अरे वो तो मैं उनके साथ खेला हूँ, क्या बोल रहे तुम? बात कर रहे? हाँ ना, भूत के साथ कौन खेलता है? कुछ भी मैं खेलता हूँ ना। क्या खेलते हो? छुपन छुपाई।
मैं भी उड़ के छुप जाएंगे। हाँ मैं भी इनविजिबल हो जाता हूँ वो भी। अरे फेंकने का थोड़ा लिमिट रहता है भाई, थोड़ा लिमिट पे फेंक। टाइम कितना हो रहा है देखो मोबाइल में, टाइम अभी हो रहा है 12 बजे, एक ही बजा भी तो एक बजे। अरे आराम से चलो धीरे धीरे। अरे नहीं नहीं पहाड़ चढ़ने में टाइम लगेगा, पहाड़ चढ़ने में पूरा दिन निकल जाता है भाई। हाँ ना, वो याद है ना, हम शाम को 7:30 बजे पहाड़ निकलना चालू किए और 12 बजे निकल गए थे पहाड़ी पे चढ़ने के वास्ते। अभी सही रास्ते से निकालना ठीक है, यहाँ पे जो रास्ता होता है। हाँ हाँ गूगल गूगल मैप का सैटेलाइट कभी कभी पागल जैसा रोड दिखाते हैं। पीछे से ही लो, वही जगह है, वो रास्ता ही वही है। आप अर्णव को जानती हो क्या? हाँ जानती हूँ। लेफ्ट से लेफ्ट सीधा, लेफ्ट से लेफ्ट से यहाँ पीछे से टूरिस्ट जा रहे हैं। हाँ वाह वाह, राइट से यहाँ से जाना है। हाँ मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। क्या ही बोले अभी। अरे ये शूटिंग करता होगा ना पहाड़ियों में। और क्या ना, पहाड़ियों से कूदते उठते हो ना। हाँ अरे क्या बोले, खतरों के खिलाड़ी हो। अरे अरे कुछ चलती हो। अरे कुछ ये कैसी आवाज थी, कुछ चल दिया रैबिट को। रैबिट मर गया। अरे अच्छी कैंपिंग ले आई है तो। अरे पता नहीं था तुमने, इधर रात को आएगे यार। अरे अरे नई कार है अच्छी खासी और उससे सब तोड़ फोड़ मचा रखी है। अरे वो कैट का एक दोस्त है, वो उसका कॉल आ रहा है, वो एम्प्लॉय के लिए पूछ रहा हूँ। लेना है ना अपने को और एम्प्लॉय? हाँ हाँ लेना है ना। सैलरी मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सैलरी 30-40,000 पूछना पहले उससे। भाई ये लोग 1.5 लाख के नीचे नहीं जा रहे हैं। अरे कैसे नहीं जाएंगे भाई, मैनेजर की बोल देना, बोल देना मैं कि मैनेजर की इतनी सैलरी नहीं है जितने तुम मांग रहे हो। शेफ की नहीं है ये, सिर्फ 1 लाख मांग रही है 1 वीक। वही तो गाड़ी यहीं छोड़ दो ना। नहीं जाएगी ना गाड़ी, देख ध्यान से चलाओ ना फिर जाएगी। यार ये कैसा रास्ता बना है यार ये, कोई तो ऐसा ऐसा हेयर पिन बेंड कौन रखता है। वही ना यार बता रही हूँ, रास्ता बनाना नहीं आता। फैमिली से पूछना चाहिए था। हाँ ना मैं बता दी ना अच्छे से। एमली तुम रोड पे कॉन्ट्रैक्ट देती होगी। वही तो वो शेर की आवाज आई मुझे। हाँ ना गोरा शेर, अरे क्या कान है मेरे। ओ भाई कौन गोरा, उसका कौन भाई देता हूँ। अरे 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 भाई इसका कॉल उठाने के चक्कर में अपना राम राम सत्य हो जाता। हाँ वही ना, कल के अखबार में आ जाते हम तीनों। शायद तो पहले भी आए थे ना। के शहर का सबसे बड़ा बिल्डर कॉल उठाते गिर गया चक्तान से। अच्छा लगता हम जिसने कॉल किया था उसको पकड़ा गया। तुम क्या बोल रहे हो, पहले भी पेपर में आए थे ऐसे बोल रहे हो? नहीं तो याद नहीं, शायद आए थे हम। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं आई थी ना, क्या बोल रहे हो? ये भूत तुम्हारी तो गलत जगह नहीं आ गए। मेरे को भी आगे 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 जाओ।
लाइट हाउस देखो ना पीछे से, कहाँ दिख रहा है लाइट हाउस? अरे हम गलत जगह आ गए, हमें यहाँ जाना था। अरे लाइट हाउस ये जा रही है, ये सामने ही जा रहा है। बताओ कहाँ जाना है? अरे मार्क हटाओ एमिली। हाँ हाँ हटा रही, यहाँ जाना है। नहीं ना गलत जगह लेके आ गए। नहीं यहाँ जाना, यहाँ जाना, सॉरी यहाँ जाना। ये रास्ते में सीधा सीधा चला, पीछे जाना है, पीछे जाना है, पीछे नहीं लाइट हाउस के पास जाना है। हाँ चलते जाओ, लाइट हाउस पीछे से ही तो दिखता है। अरे पीछे से नहीं, आगे से दिखता है लाइट हाउस। ये रहा, यहाँ पे है वो। अरे लॉयर है क्या? लॉयर लॉयर है कोई? नहीं ये तो आईडी कार्ड बनाने वाली है। ये कौन है? कहाँ जाना है आपने? अरे आईडी कार्ड ये सामने चलो एक बार, सामने ही मुझे कहाँ? सामने सामने चलो सीधा। किस तरफ? इस तरफ निकाल लोगे? हाँ हाँ उधर ही राइट है। ये देखो रास्ता, हाँ ये राइट से नीचे से। हाँ हाँ पक्का चलो। हाँ हाँ चलो चलो, राम राम सर, राम राम। नीचे वाले रास्ते से निकाल लो ना, नीचे से है रास्ता। नीचे ले लो, नीचे ले लो। जो ड्राइवर वेल बोल रही हूँ। अभी कहाँ जाना है? नीचे से जाना है हमें, नीचे। अरे तुम गलत तो नहीं लगा दिया ना? अरे पीछे पे, हमें पीछे पीछे सीधा ही तो जाना था, हम इधर क्यों आ रहे हैं? इसने बोला सीधा जाओ। हाँ चलो चलो, ये आपको मैप पे रास्ता दिख रहा है ब्राउन? हाँ बस वो पूरा वही घुमा के लेना, बस उसी पे चलते रहो। बाय बाय गाइस, अगले जन्म में मिलते हैं। मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, गाड़ी मेरे को चला रही है। मैं बोलती मैं को गाड़ी दो तो। अरे नहीं नहीं मैं जाता हूँ फिर। अरे अरे अच्छी टाइमिंग है यार। कहाँ जाना है बताओ, कहाँ जाना है? रुको जरा चेक करने दो, मैंने एक मिनट फोन में पड़ी थी वो फोटो। अरे मैं बताती हूँ, मैं लेके चलती हूँ। देखो ये ब्राउन वाला रोड है, वहाँ से सीधा लेना। हाँ वहाँ से सीधा, हाँ वहीं से सीधा लेना है। हाँ हाँ बस चलते चलो ब्राउन रोड पे। अरे ये देखो शेर मार दो। नहीं रे तो जेल में ले जाएंगे। अरे मैं इसका कॉल उठा ही लेता हूँ। और पप्पू भाई क्या हाल है? हम थोड़ा घूमने आए थे पहाड़ों पे। हाँ सी फूड वहाँ भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया वहाँ पे, देखो अब तुम जाके देख सकते हो, रेस्टोरेंट रेडी है। हाँ हाँ यहीं जाना। जॉब अभी वो लॉयर से थोड़ा पेपर वर्क बचा है, वो खत्म होते ही फिर चालू। हाँ वो रहा लाइट हाउस, चलो चलो वहीं जाना। नहीं पता यार फिर उसके बारे में, ठीक है कुछ बताता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे वो तो रहा नीचे पत्थर सामने। हाँ वो नीचे है पत्थर। हाँ हाँ 5 बज गए। हाँ वहीं से पता फिर ऊपर आए। अरे अरे वही तो। मेरे दिमाग में पूरा, अरे मेरे दिमाग में पूरा रेस्टोरेंट का प्लान चल रहा है ना, इसलिए भटक गया मैं। वो सामने जाना है। चलो चलो यहाँ जाना है। अरे अब हम यहाँ तो नहीं आएंगे। पीछे 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 लो, चलो हाँ आगे लो आगे लो। हाँ चलते चलो चलते चलो। हाँ ये जो रहा ये पत्थर लेफ्ट पे, ये वाला। हाँ सामने। हाँ हाँ ये तो रहा, बस बस। तो ये वाला है ना पक्का? हाँ हाँ ये वाला है। हाँ ये वाला ही है, मेरे को भी याद है। गाड़ी तो है भगवान। देखो सुबह एक गिलास दूध, सुनो साथ में काजू और बादाम। हाँ प्लीज बता रही, कभी याददाश्त चली जाए, भूल गए तुम बिल्डर हो तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ये गलत पत्थर लग रहा है मेरे को अभी भी। नहीं नहीं यही है, यहाँ से हम गिरे थे पक्का।
नहीं यही है, यही है, 100% यही है, यही यही है। है। वही वहां पे कोने में वो मॉर्गन बैठा था, अभी भी याद है। कितने मिनट बाकी है? अभी तो 6:45 हो रहे हैं, थोड़ा दूर आना पड़ता है। क्या हुआ? मैं देख रही हूँ कौन सा बहुत आएगा। वैसे तुमने भी पूरा सफेद पहना है, भी खड़ी हो जाओ भूल बन ना, थोड़ा मेकअप कर लेना था ना, पहले बता दे मेकअप पे क्या चीज भूत बन जाती है। जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड मिस कर रहा है। बुलाना पड़ेगा सबको, क्या शूटिंग अच्छी हो जाएगी ना यहाँ पे। भूत वाली एक मूवी बना देना। लो आ जाओ सबको लेके, कल की फ्लाइट। अच्छा 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 ठीक है, आ रहे सब, आ रहे हैं। कौन शूटिंग के लिए बुला रहे हैं? सही है, कब आएगी ये भूतनी? लगता है ये भी पूरा मेकअप वेकअप करके आती है। मुझे भी ये लग रहा है, बहुत टाइम लगाती क्योंकि आने 7 बजने वाला है। ये 7 बजे मेकअप करना चालू करती है, पूरा भूत का मेकअप चला चढ़ाने में उसको 4 घंटे लगते हैं। हाँ यार, कितना मेकअप करती है, यहाँ से दिखती है बस, यहाँ से। वन स्ट्रीम रिपीट में वो गायब हो गया, यहाँ से देखा था। व्हाट टू यू वन्ना केयर टू देख में है। जस्ट नथिंग। 7 बजे गाइस, इसका मेकअप चालू हो गया। हाँ बता रही हूँ, बहुत ज्यादा वेट कराती है, इसका वापस खून कर दूंगी। मरे हुए क्या मारोगी? कृपा है सब आत्मा जलाएंगे। कृपा है, अरे मैं बता रही हूँ, बोतल में बंद करके जेन जेन बना दूंगा। हाँ ना, अरे सही है, तुम अपने मूवी के लिए सही चीजें सोच रहे हो। वही वही बस हीरोइन में होगी, और पैसे भी तुमसे ज्यादा मिले जाओगी। क्या कहना चाहते हो? भूल गए क्या पॉलिसी? जितना पैसा कमाओगे उसका आधा मेरा होगा। ऐसा कुछ था क्या? मैंने काजू बादाम नहीं खाए, भूल गई। अच्छा ना। हेलो, 2 प्लेट काजू बादाम माउंट चिली आर्ट। ठीक है, आ रहा है। प्लेन से आ रहा है, साइकिल से आ रहा है, बाइक से आ रहा है, किससे? उड़ के आ रहा है, सुपरमैन है ना? हाँ ना, मैंने खरीद के दिए थे पिछले साल ही। तुम्हें क्या बोले, पैसा ही बहुत है ना। उसमें वहाँ बर्लिन पड़ा है, यहाँ नहीं लेके आया। मैं सोच रहा हूँ अपनी लंबोर्गिनी इंपोर्ट करा लूँ यहाँ पे। अच्छा है ना, अवेंटेडोर। सही है। और मुस्टैंग भी, जीटी। हाँ ना, जीटीआर। ये शहर अच्छा लग गया, पर यहीं पे रहोगे, यूएसए नहीं जाओगे? यूएसए नहीं, बर्लिन। बर्लिन, अच्छा, मुझे लगा यूएसए जाने का प्लान था। हम कहाँ में, वैसे इंडिया में है क्या? क्या बोलो? ये यूएसए नहीं है क्या? नहीं
अच्छा इंडिया है क्या ये? लॉस सैंटोस। लॉस सैंटोस कहाँ पे है वैसे? मैं चाहती हूँ ये सुनने के बाद क्या ही रहा। कितने टाइम बाकी हो? कितने बजे अभी? टाइम हो गया है 8:15। पीछे हो जाओ थोड़ा। नहीं नहीं ऐसे दिखती है इंस्टा। अबे यार कल मुझे याद क्यों नहीं कराते तुम? मैसेज करते पर ये याद नहीं कराते यार। ऐसे नहीं हो रहा है ये ठीक। यहीं से दिखती है। कैमरा वैमरा खोल लो। फोटो हमने बहुत लिए उस दिन। फोटो तो है। तुम खोल लो तुम्हारे मूवी के लिए सही काम आएगा। अरे जेब में ही रखता हूँ ना मैं। ये भी ठीक है। हेलो गाइस हमारी कार है ये हमारी कार है ये हमारे दोस्त है ये बूट है और ये पावर ही हो रही है कौन है हमारी अरे आ जा भाई तू बोलती है कि कर एक मिनट रह गया गाइस करती है बट नहीं हो रहा ना वो आ ही नहीं रहा बहुत मिस कर रहे हो मैंने कुछ निकाल के भी वापस कर दिया सब किया तो आ नहीं रहा ना नहीं 11:30 बजे आती है ना 11:30 बजे आती है अच्छा 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 तुम 8:30 के बोले थे उस दिन 11 बजे आती है 11 और बजा देती सबके पारा ठीक है मेरे को 13 बजे थे 12 बजे के 11 के बाद एल एक्स ओपन कम एंड गेट योर कार रिपेयर और कितना वेट करना है हमें इसके लिए 9 बज गए बस 2 घंटे और 2 घंटे डम्सराज के हाँ टॉक शुरू कर दूं क्या टू डेयर कोई फोटो क्लिक कर लेना अपने लाइफ का भूत का एक्सपीरियंस बताओ सब लोग मेरे क्या? मैंने ये वाला भूत देखा था बहुत हंसी आई थी क्या वो अपने लाइफ में कोई और भूत का एक्सपीरियंस रहेगा तो बता दो क्या यार मैं तो भूतों से घूमता रहता हूँ मिलता रहता हूँ और क्या मतलब तुम इंसानों से डरते हो मतलब इंसानों से कहाँ डरते हैं अगर भूत से नहीं डरते तो अरे जो भूत के पास रात में रहते हैं वो इंसानों से डरते हैं नहीं क्या नहीं वो बस चाहते हैं कि इंसान उन्हें तंग ना करे समझ रहे हो उनसे डरते हैं उन्हें कहाँ परेशान करेंगे ये फटे जाती है बात चाहते है ना तुम कैसे परेशान कर सकते हैं हो गया टाइम हो गया 10 बज गए हे पप्पू बोलो लास्ट 1 घंटा भूत देखने आया बेटा आज तो ज्यादा दे रहे हैं चलो जेब में कॉफी पड़ी थी काम आ गई पर्सनल वेपन लाइसेंस खुद के लिए ले रहे हो ना हेलो तो क्या चाहिए उनको भाई ये बंदा अजीब है यार ये वेपन लाइसेंस लेने गया है और बोलता है कि सी फूड रेस्टोरेंट में सिक्योरिटी देनी है इसलिए मुझे लाइसेंस चाहिए भाई ये रेस्टोरेंट अभी खुला नहीं और इसके नाम पे लोग पैसा भी कमा रहे हैं कोई तो
टाइम होने वाला है। लाइसेंस कैसे आते हैं? लाइसेंस वो तो लॉयर से मिलता है। संकेत वाइटिंग, हेलो वेलकम टू मशरूम। 10:45 हो गया, भूत आए आ सकती है कभी भी। चलो वेट खत्म हुआ, फाइनली भूत आएगा। क्या तुम दोनों रेडी हो? ऑलवेज रेडी। गेम्स डैनियल की, डैनियल को हीरोइन मिल रही है अपने मूवी के लिए। यस तो इसका नाम रखेंगे नगीना चुडेल। Ghost of Los Santos आ गई, देखो आ गई। अरे कौन ये क्या सामने बता रही, दिख रही? अबे इसको नहीं दिख रही। अरे मेरे पे जादू किया इसने, ये दिख रही है। अबे इधर आना, सामने दिख रही है। क्या लिखा यहाँ पे? जो जैक, जैक कौन है? जैक कौन है? जैक उसका बॉयफ्रेंड। जिस दिन जैक आएगा उस दिन इसको मुक्ति मिलेगी। इसको क्यों नहीं दिख रही? पता है मुझे। फोटो खींचो जरा मेरी। जाओ जाओ खड़े हो जाओ, खींचती हूँ। खड़े हो जाओ साथ में, जाओ खड़े हो जाओ, इधर जाओ। मैं खड़े हो, खड़े हो जाओ पास में, खड़े हो जाओ पास, जल्दी जाओ उधर ही खड़े हो जाओ। मैं ले लूँगी, जल्दी जाओ, निकल जाती है वो। हाँ खड़े रहो, खड़े रहो, मेरी तरफ देखो, खड़े रहो मेरी तरफ देखो, और थोड़ा नजदीक जाओ ना, और चेक के ऊपर खड़े रहो। चली गई, नहीं है। जैक के पास खड़े रहो ना, जैक के पास खड़े रहो। ले ली। आइए डरते क्यों? तू ट्विटर पे डालती तुम्हारी फोटो, मेरे को दूर से दिखती है, बता यहाँ से नहीं दिखती। चली गई ना, है ना? अरे चली गई, चली गई भाई। टाइटैनिक के पोज लगा रहा है भूत के साथ। ठीक है भाई, देख रहे हो? तुम क्यों नहीं गए पास में? अरे मैं तुम्हारा फोटो ले रहा था। ठीक है मिली, देख लिया, चले अभी, या तुम्हें नीचे जाना पहाड़ के? देख लिया, सही था। चलो चलो वेटिंग बाबा आ जाओ। एम्प्लॉय ढूंढते हैं अभी। मैं फ्री, मैं अभी 9 बजे के आसपास। बिल्ला काम नहीं है भाई, जिगर लगता है। 9-10 बजे के बाद दिखा दिया अब तुम्हें, और क्या चाहिए? वो तो अबे भूत ने लॉक कर दी गाड़ी, देखा उसकी इतनी हिम्मत नहीं मेरे पर जादू करना है। टाइटल बताओ। टाइटल क्या बोलो, क्या टाइटल हो सकता है? मैं तो ओके लिख, ये मैं हूँ, ये भूत है, ये हमारी पारी हो रही है, ये लिख दो। ठीक है ये भी ओके। क्या रे आइस वैल्यू में 9 बजे के बाद हेलो गाइस, जल्दी से लाइक दे दो, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। एडवर्ड
लिए बादाम ना खाने की वो बादाम खाने के क्या कहाँ पे थे पता नहीं क्या हो गया था एकदम फ्रीज हो गया मैं किधर जाना है बताओ सिटी में जाना अभी माइनिंग हाँ हाँ सिटी चलो यार गूगल मैप दिख नहीं रहा अंधेरे में सुबह निकले क्या यहाँ से यहाँ पे रहे लाइक टेंट लगा के रहे सो जाते हैं अरे मैं तो बोलती हूँ मैं चलाऊँ रात का लाइक ड्राइविंग नहीं मैं मेरी अच्छी ड्राइविंग है रात को मुझे थोड़ा अच्छी तो मेरे को मैं चलाऊँ नहीं नहीं मेरे को चलानी है नहीं नहीं चला रहा हूँ कोई बात नहीं मेरी बात ही नहीं मान तो कैंपिंग कर लेते हैं नीचे क्या ही दिक्कत है हाँ वही पे बोल रहा हूँ आ जाओ जाओ करते हैं कहीं पे आग दिख रही है मैं बोलते हूँ फिर थोड़ा वहाँ पे चलते लाइसेंस मतलब आईडी कार्ड वाले कहाँ पे वो क्या है नाम है उसका क्या करना है मेरे फोटो चेंज करवानी है पुरानी है बहुत तो भी ठीक है चलते हैं वहीं पे चलते हैं मैंने तो आईडी कार्ड नहीं बनवाया अरे यहाँ पे देखो कैंपेन हो रहा है चलो चलो चलो, चलो रोको यहाँ पे देखो आग लगाई है लोगों ने चलो तो बात करके आता है तो ऐसा आ सकते हैं क्या कैन वी जॉइन यू गाइस हाँ बोला बैठो मैं बस नजदीक जाना क्या मतलब ज्यादा नजदीक मत जाना भाई तुम सिगरेट कब से पीने लग गई अरे कभी कभी चलता है ओ भाई और बताओ तुम कैसे हो क्या चल रहा है जिंदगी में क्या अरे मैं क्या बोल रहा था कोई की स्टोरी सुनाओ यार जैसे रियल लाइफ में तुमने एक्सपीरियंस किया हो कभी मैंने नहीं किया कभी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस तुमने इसने तो किया होगा शूटिंग करते करते देखो एक बारी क्या है ना हम गए थे एक बंगलो में यूएसए में लॉस एंजेलिस के बिल्कुल आउटसाइड पे एक छोटा सा शहर है उसका नाम भूल गया मैं वहाँ पे एक था बंगलो बहुत पुराना था सील था हमने शूटिंग के लिए परमिशन लेके वो खुलवाया था क्या हुआ था ना कि तब रात का टाइम था अच्छा तो रात का टाइम था हमारे शूटर्स जो शूट करने वाले हैं फिल्म को और एक्टर्स रेडी हो रहे थे ठीक है क्या एक एक्टर था एक्टर का नाम क्या था उसका रॉबिन वो एक्टर रॉबिन था ना जो वो रेडी हो रहा था अपने कमरे में लाइक एक कमरा नहीं था वैसे ही रूम था ठीक है एंड क्या हुआ कि उसकी जोर से चीख की आवाज़ आई ठीक है सारा स्टाफ उसके पास भागा देखा तो वो कुछ बोला ही नहीं वो कहता नहीं नहीं वो तो मैंने वैसे ही मारी थी मेरे को लगा कोई है ऐसे 2-3 दिन बीत गए उसका व्यवहार चेंज हो गया था कुछ और तो मैंने पूछा क्या हुआ भाई ठीक हो क्या तो बोला हाँ हाँ ठीक हूँ एक दिन क्या था कि हमारी शूटिंग थी वो चर्च में थी वो बोला कि मेरी तबीयत खराब है रोज ऐसे बहाने बना देता कि मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं आ पाऊंगा मेरी ये खराब है मैं नहीं आ पाऊंगा मैंने कहा ठीक है फिर मैंने उसके घर जाके देखा उसको बुलाया वो बोला कि मैं नहीं आ रहा मैंने कहा भाई चर्च की शूटिंग है तो क्या हुआ बोला मैं नहीं आ रहा मैंने फिर से बोला वो एक अजीब सी आवाज से बोला कि मैं नहीं आ रहा तब मैं समझ गया कुछ तो गलत है हाँ तो कुछ तो गलत है हमने एक प्राइस से बात की इस चीज़ के ऊपर मैं तो लाइक ठीक है वो बेस बदल के आया
क्राइस्ट हमारे साथ, ठीक है, एंड कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी उसको पहले ही पता लग गई थी, कुछ तो घोस्ट वगैरह ऐसा एक्टिव पैना नॉर पैरा नॉर्मल एक्टिविटी है, एंड वो एज अ एंड क्या है ना कि उसने थोड़ी देर वेट किया एंड उसने सारी चीज़ें तैयार करके पूरा मतलब घर का एज अ ले लिया कि कहाँ कहाँ पे लाइक वो घोस्ट कहाँ पे रहता है, ठीक है। उसने जैसे वो ना एक घोस्ट था ना, वो जो वो उसकी बॉडी पे काबू कर चुका था, वो लाइक वो बॉडी से अलग भी हो जाता था ना तो भी वो उसको कंट्रोल कर पाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो प्रीस्ट है ना, वो गया उसके घर पे अपनी टीम के साथ, उस घोस्ट को पता लग गया था। हम क्या कर रहे थे कि हमारे शूटिंग वाले जो बंदे हैं, ठीक है, वो पीछे करके शूट कर रहे थे। एकदम से क्या हुआ, वो घर बंद हो गया, सारे दरवाजे बंद हो गए, जो प्राइस थे वो कभी बाहर ही नहीं आए। उसके बाद पुलिस ने खोला, ठीक है, अगले दिन जब दरवाजा खोला तो कुछ कोई नहीं मिला वहाँ पे। तब से हम शौक है भाई, मतलब वो बंदा है ही नहीं। हाँ, वो कोई भी नहीं मिला उधर, बंदा गायब ना, डेड बॉडी भी नहीं मिली वहाँ पे, उसके बॉडी आज तक नहीं मिली। नहीं, वाह, सोचते हैं। एक बार क्या हो गया, वो मतलब मैंने सुनी है, फ्रेंड्स के भी पता है, एक दो दोस्त है ना, मतलब ये ऐसा बोलते हैं कि ये सच में हुआ था, बट मेरे को नहीं पता। अच्छा, हुआ था। दो दोस्त ऐसे रात के नाइट शो में गए थे कोई हॉरर मूवी देखने के लिए, मूवी बहुत ही डरावनी थी बोलते हैं। फिर वो लोग मूवी खत्म हो गई, फिर 12:30 बज गए थे तो घर जा रहे थे, तो एक दोस्त को ऐसे सिगरेट पीने का मन किया। वो एक कुछ ऐसे सारी दुकानें तो बंद हो गई थी, तो वो थोड़ा आसपास ढूंढने पे एक ऐसे पान टपरी चालू थी वहाँ पे, तो वहाँ पे जाने गए। फिर ऐसे बात करते करते वो उसने पूछा वो दुकानदार वाले ने कि कैसा क्या मतलब इतने रात में कहाँ घूम रहे हो क्या वगैरह, तो लोग बोले कि अरे ऐसे नहीं, मूवी देख के आ रहे हैं बस, घर जा रहे हैं अभी। बोला ठीक है ठीक है। फिर ऐसे बातों बातों में वो लोग उसकी उसको स्टोरी सुना रहे सुनाने लग गए मूवी की जो उन्होंने देखी थी। तो एक दोस्त ऐसे पूरे बता रहा था कि एक वहाँ ऐसे कि उसका बूट का जो हाथ रहते हैं ना, लाइक ऐसे उन्होंने दिखाया था कि ऐसे पंजा सिर्फ बूट का पंजा कटा हुआ वो ऐसे पीछे लग जाता है मारने के लिए। तो उसका ऐसे पूरा डिस्क्रिप्शन बताया कि इतना डरावना था वो, लाइक पूरा खून भी निकल रहा था और ऐसे ऐसे लग रहा था कि किसी ने उसको बहुत चक्कू मारा है हाथ को, एकदम सब मांस भी लटक रहा था, ऐसा वैसा ऐसा खूना वो पंजे का डिस्क्रिप्शन दे रहा था वो एक दोस्त। तो पान टपरी वाला बंदा था ना वो उनको बोलता है रुको रुको रुको, और एकदम से हाथ आगे करता है और बोलता है ऐसा था क्या। उसका हाथ वैसे ही था,
ऐसे वो डिस्क्राइब कर रहे थे तो, अरे ऐसी सेम स्टोरी पता है मुझे एक पता है जो लाइक बोलते भी थे रियल है जो रियल था लाइक एक गांव था ठीक है वहां पे ना अच्छा बात कर लेते थे एक से डायन हुई है जिसके ना पाव उल्टे हैं ठीक है हाँ मैंने भी सुना था हाँ हाँ तो, ये रियल है सब बोलते हैं पता नहीं बता तो एक ऑटो वाला था एक दिन उसके पीछे एक औरत बैठी थी एक या दो औरत ठीक है तो वो उसको बता रहा था कि संभल के रहना सब बोलते कि कोई डायन घूम रही है तो जिसके पाव उल्टे है और उस औरत ने पीछे से लाइक पाव दिखा के बोले कि ऐसे वहीं पे वो बेहोश हो गया था और ऑटो वाला हाँ मैंने भी ऐसा सुना है बट ये स्टोरीज पाव उल्टे होते हैं यार ये थोड़ा समझ नहीं आ वही तो रियल में होते हैं क्या अरे सुना पड़ते के पाव उल्टे होते हैं होते हैं बंदे बट क्या लॉजिक मतलब पैर उल्टे होने का क्या लॉजिक हो सकता है मेरे को तो समझता नहीं उल्टे क्यों करता है एक्चुअली ना वो जो शरीर है ना उसको लाइक चोट पहुंचाना चाहता है इसलिए वो उल्टे करते थे क्या वो जो शरीर होता है ना बंदे का हाँ उसको मतलब लाइक चोट पहुंचाना चाहता है अच्छा बट मैंने ऐसा मतलब ऐसा बोलते हैं कि आत्मा होती है बट वो अगर तुम्हारे को दिख रही है सपोज किसी की आत्मा तो उसका एक मकसद है तो तुमको उससे डरना नहीं चाहिए तुमको उसको पूछना चाहिए लाइक क्या प्रॉब्लम है और उसका प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम अगर तुम सॉल्व करोगे तो फिर वो चली जाती है ऐसा बोलते हैं कि नहीं बट ऐसा बोलते हैं कि जैसे मतलब ये क्या बोलते हैं मतलब ऐसे किसी का मानना है तो कुंडली रहती ना कुंडली कुंडली पता है उसके उसमें जिसका राक्षस गण होता है ना उसे दो होते हैं देवगण और राक्षस गण मेरा है वो तो क्या है उनको बोलते हैं उनको दिखता है भूत ऐसा बोलते हैं और एक बोलते हैं कि जिसको आंख में जिसको तिल होता है ना उसको भी दिखता है ऐसा बोलते हैं बट पता नहीं और क्या हो गया नहीं डर गई क्या नहीं ना ना डरी नहीं एक ही जगह बैठे ना बहुत देर से तो थोड़ा पाव अच्छा अच्छा अरे 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 उठो उठो भाई बोला था मैंने आग से बच के हाँ यार आग नहीं मेरे कुंडली में बैठती है जब भी देखो लग जाती है पता है तुमको लाइक लोग बोलते हैं कि आत्मा नहीं होती बट तुमने कभी ऐसे देखा होगा कि कि कोई किसी इंसान को अगर तुम कभी मिलते हो तुम पहली बार भी मिल रहे हो तो भी तुमको ऐसा लगता है कि यार तुम इससे पहले मिले हो या फिर ऐसा लगता है कि ऐसा होता है मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ पिछले जन्म में तुम्हारा कुछ तो रिलेशन हुआ होगा मेरे ऐसे दो तीन बार ऐसा हुआ कि रात को सपने में कुछ सिमिलर देखा और दूसरे दिन हुआ हाँ ऐसा भी होता है अरे मैंने सेम भाई सेम मतलब ऐसा होता है बोलो काफी बार कि तुमको ऐसा लगता है कि तुम वो चीज सपने में देखे हो हाँ वही तो नॉर्मल है जब कभी पहुंचते हैं ना ऐसा लगता है कि ये तो कहीं देखी हुई है अरे मैंने ऐसा तो मैंने ऐसा कुछ किया हुआ है मैं वापस कर रही हूँ हाँ देखा हुआ है ये तो होता है और वही भी
और एक चीज होती है, जैसे कि मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, बोलते हैं कि उसमें उसमें एक चीज उन्होंने सिखाई हमको, एस्ट्रल ट्रैवल। मतलब उसमें क्या है, हमने मेरे को एक एक दूसरे बंदे के, मतलब हर एक बंदे को एक पार्टनर चूज करने को बोला। जो मेरे मेरे साथ जो बंदा आया था ना, जो मेरा दोस्त, हम हमको उन्होंने क्या बोला कि कोई भी चीज अपनी उसको पकड़वा दो। साले हाँ, इवन थोड़ा ऊपर आके बैठो ना। क्या मैं इनको ना थोड़ा नीचे बैठे थे पत्थर हाँ। के तो ऊपर आके बैठो। तो हमने क्या किया, उसने मेरे को अपनी घड़ी दी, मैंने मेरा बटुआ दिया उसको हाथ में रखने के लिए। तो हम लोग 10 मिनट के लिए वो ऐसे हाथ में रख के बस आग बंद करके बस सोच रहे थे कुछ, मतलब ऐसा सोच रहे थे कि उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, बाद में उन्होंने बोला कि वो चीज को तुम हाथ में रख के ऐसा सोचो कि तुम एक दूसरे के घर जा रहे हो। पर ये बंदा ऐसा था कि मैं उसको कभी नहीं मिला था, पहली बार मिला। ठीक है, वो सेमिनार में तो मैं उसका कभी घर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसने उसने मेरा मतलब उस, फिर मैंने उसका घड़ी हाथ में रख के सोचा कि लाइक हाँ मैं इसके घर गया वगैरह ऐसा। और मेरे को बाद में फिर इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछे, एक दूसरे को क्वेश्चन पूछने को बोले थे कि लाइक घर का कैसा था, क्या देखा वगैरह। तो मैंने जो जो चीज़ें मुझे नज़र आई थी ना, वो सब सही, लाइक दो तीन चीज़ें उसमें से सही निकली थी। जैसे उसके घर का कैसा घर था, लाइक बंगलो था सेपरेट, वो मैंने सही गेस किया। फिर मैंने गेस किया था कि उसके घर के सामने एक बाइक थी, और उसके उस बाइक के नंबर में नीचे लास्ट में 7 और 8 लिखा था, वो भी मैंने सही था ना। और उसके घर के सामने ग्रीन कलर की साइकिल थी, उसने भी बोला हाँ उसके पास ग्रीन कलर की साइकिल पड़ी रहती है। और अरे बातें करते करते 1 बज गए। तो ये चीज होती है। हाँ होती तो है। मतलब ये सब जो हम बोलते हैं ना कि भूत वगैरह, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इसका साइंस के साथ पास कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट ये होता है। अभी तुम बताओ ना, जिस बंदे का घड़ी हाथ में रख के मैं 10-15 मिनट रख के फिर मैं ने ऐसे सोचा, और उसने आपका सही सोचा? हाँ उसने भी हाँ मेरा सही सोचा। जैसे कि मेरे घर में क्या कौन से लाइक तो, पोस्टर लगे हुए हैं, वो उसने सोचा। वो भी कभी मेरे घर में आया था, बट एक्यूरेट था पोस्टर वाली थिंग। मैं कभी सोचू ना किसी के घर में पोस्टर होगे, वही तो सच में ना सोचू भाई ऐसा। मतलब वो ऐसा, वो जो सेमिनार जो होस्ट थे ना, वो बोल रहे थे कि देखिए रीइंकार्नेशन लाइक पुनर्जन्म या आत्मा वगैरह ये सब सही रहता है, बट वो बोला कि जो आत्मा होती है ना वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर तुमको कहीं पे ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज ये तुमसे रिलेटेड कोई तुम्हारा पास्ट का कोई दोस्त कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। और ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे जो ये जो सोल्स रहते हैं ना, जैसे तुम्हारी सोल है, तुम्हारे तुम्हारे माँ बाप या फिर तुम्हारे भाई बहन, ये सब सोल्स जो है ना, वो सब एक हमेशा एक ग्रुप में रहेंगे जनरेशंस टू, लाइक मतलब अलग अलग लाइफ में तुम्हारा रिलेशन अलग हो सकता है, बट ये साथ में चलते हैं। और तुम जैसे जैसे नए लोगों से मिलते हो, फिर वहाँ नए बॉन्ड्स बनाते हो अलग अलग लाइफ में, तो उसमें और उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। तो यही तो ये यही तो है ना कि जैसे अगर किसी को मिलते हो तो तुमको एकदम से उस इंसान से कभी कभी नफरत होने लगती है, कभी कभी तुम उससे एकदम से पसंद करने लगते हो विदाउट एनी रीजन। तुमने ऐसे सोचा होगा कभी, फील किया होगा?
मैं तो बोल सकता हूँ। हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। मतलब तुमने ऐसे कभी एक्सपीरियंस किया होगा ना कि किसी बंदे को या बंदी को मिलते हो, मिलते हो और तुमको ऐसे एक अलग फीलिंग आता है, आ जाती है, कभी हेट वाली या कभी पसंद करने वाली या कभी ऐसे। हाँ कभी कभी होता है कुछ लोग को, लेकिन मतलब उसे कुछ किया भी नहीं होता ना कुछ, पर था हाँ, अच्छे नहीं लगते। हाँ वही। और कुछ लोग पहले देखने में अच्छे लग जाते। हाँ वही तो। या फिर एकदम से कोई ऐसा इंसान मिल जाता है एकदम से ऐसा लगता है कि यार इस बंदे से दो या बंदी से दोस्ती करनी चाहिए, तो इसका ये ऐसा कनेक्शन हो सकता है, ऐसा बोल रहे थे वो। तो बताओ इसमें जाना है तो बताओ तुमको कैसे लगा तुम जब डैनियल को मिली तब? मुझे अच्छा लगा। क्या कटाई मारने वाली फीलिंग नहीं आई क्या? मैं बताऊं मैं शहर में जितना से मिली हूं उस शहर में जितना से मिली हूं कभी ऐसी फीलिंग नहीं है कि मार। बहुत टायर्ड लुक लगे मुझे हर जगह। हां सही है सही है। नाइस चलो चलते हैं। चलो चलते हम रात भर बैठने वाले थे। तुमको गाड़ी की चाबी दो मैं चलाता हूँ। चल बैठो। क्या है पेपर? चल बेड लगा सो लो। मैंने गाड़ी को ठोका क्या? नहीं। तो फिर वो गाड़ी को क्या हुआ था? किधर जाना? मैंने माफ किया है। क्या हुआ? नहीं वो पूछ रहा था किधर जाना। अच्छा हमारे इधर दिमाग में
वीकेंड का लॉकडाउन लग गया। हमारा नाइटी अभी हमारा इधर अभी आज से लेके मंडे सुबह तक बंद। आ जाओ एडवर्ड बाहर आ जाओ, गाड़ी लॉक कर दो। और क्या हाल है? हेलो, कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया। और हमारे गरीब खाने में कैसे आना हुआ? आईडी सर अपडेट करना था। गवर्नमेंट कब से गरीब होने लगती? जब से आप 70-80 लाख ले तो तब से गरीब हो गई है भाई। हमने वो तो तुमको कस्टमर ने दिया था भाई, तुमको तो आधा मिल ही गया ना। बस कहाँ ही मिला है सर, बस क्या ही बताएं। इतना ज़्यादा एम्प्लॉयज को देना, वो सब रहता है सबके डीओजे वगैरह के घर वर तैयार करवाना, तो उसमें बहुत पैसा चला जाता है। अच्छा। और बताओ कुछ नहीं, हमारा तो कैसा मैं हुआ ऐसे आए घूमते घूमते, आईडी कार्ड का कुछ काम था। आईडी कार्ड अच्छा, आईडी कार्ड बनवाना है? आ जाओ, मैं बना देता हूँ। आ जाओ। और आपका नाम एमिली है क्या? हाँ। ओके। मुझे लगा कैटरीना है, क्योंकि कैटरीना के भी सेम हेयर है ना, ऐसे ही है उसके भी। और कैसे हो आप? अरे सुनो एडवर्ड, आप कैसे हो? चाबी है ना तुमको इस गाड़ी की? मैं भी अच्छा हूँ। अपना एक बार पेपर आईडी बता दो। मैं जा रहा हूँ एक्चुअली, तो अरे वो थोड़ा 15 काम आ गया। यस ठीक है ठीक ओके ठीक है ठीक है। एमिली रोज आ जाओ। एमिली आपकी पिक्चर ले लेता हूँ मैं, फोटो उस पे लगा दूंगा। बाय बाय। यस सामने खड़ी हो जाओ आप जी, फेस मेरी तरफ कर लेना। एक सेकेंड, एक मिनट बस। हाँ जी मेरे साथ। एमिली प्रिंटर से उठा लीजिए अपना आईडी कार्ड। जी जी इधर से ही। एक बार पॉकेट चेक करिए अपनी। हाँ मिली, आपका $1200 हो गया आईडी कार्ड का। ओके अब जी जी आपका पेपल क्या? मेरा पेपल है 34। आप पेपल में कैश भी पे कर सकती मेरे को, बैंक ट्रांसफर भी कर सकती। अच्छा बैंक ट्रांसफर। हाँ विच एवर सूट से हो। चार्ल्स लैंग। ओके
एडवर्ड सर आ रहे हैं ना आप आज ओपनिंग में? हाँ आएंगे ना। 8:30 यस जी हाँ सोते हो हाँ जी मिली हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम। और कुछ हेल्प चाहिए गवर्नमेंट के साइड से तो आप कभी भी आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे को। ठीक है ठीक है वेलकम। लाइसेंस पे चेक ही कर लेती हूँ। लाइसेंस पे मैंने अपडेट कर दिया आपका फोटो। ओके ओके थैंक यू। हाँ जी हाँ जी वेलकम। भाई विक्कू क्या कर रहा है? देखो भाई क्या कर रहे हो? अभी अच्छा है फोटो। खाना बहुत अच्छा लग रहा है। देखा आपने? बढ़िया। दिखा ना एक बार। ओ भाई नाइस नाइस। बहुत सही लग रहा है ना? हाँ। पहली बार आईडी कार्ड में इतना सही फोटो देख रही हूँ। अच्छा निकला ये फोटो। हाँ ना? मैं भी चेंज कर लेता हूँ बाद में। अरे हम इसमें वो क्या बोलते हैं वो कहाँ गया डैनियल? वो स्टोनी चला गया। ओके ओके बंद है। अच्छा इस बार मैंने कांच नहीं तोड़ा। हाँ ना थोड़ा लेट हो जाता तो तुम्हारा पेशेंस ही चला जाता। मैं थोड़ा सजेस्ट करूँ कि कार हमें थोड़ी ठीक करनी चाहिए। इतनी अच्छी गाड़ी और उसकी हालत। कौन सी तुम्हारी गाड़ी? नहीं आपकी। आगे से देखो। अरे अरे मैकेनिक शॉप कर लेंगे उसमें क्या है? नहीं कह रहा है बारिश हो रही है देखो बादल इतने काले काले हो। क्या बोल रहे हो? अरे काले बादल छाए बस बारिश की एक बूंद नहीं है। ऐसे ही वो है ना काले मेघा गाना गाना करते हैं। कौन सा गाना? काले मेघा पानी को बरसा। अरे रे नहीं सुने आपको? पुरानी मूवी है लगान को। अच्छा आप थे नहीं ना? मुझे लगा तुम वहीं पे होगी बट नहीं थे। तुम्हारा गन लाइसेंस भी बनवाना है ना? हाँ ना। लॉयर सिटी में है क्या? ऐसा ट्वीट करो हम जाके देखते हैं। हाँ। अब सही लग रही है ना? तुम्हारा तुम कभी पकड़े गए ना पुलिस वालों को आईडी कार्ड दिखा देना। ठीक है आईडी कार्ड देख के वो छोड़ देंगे तुम। अच्छा वो भी सोचेंगे भाई इतना इतना अच्छा फोटो हम हमारा भी नहीं आता कभी। बात तो है पॉइंट है। चामरा लगता है। और ट्रैफिक क्या हाल है? एडवर्ड सर आप बताओ। रेड रेड मैम गाड़ी भी आपको दी थी वो तो रेड थी। मैंने ले ली वैसे वो तो आप बताओ मुझे। मेरा खून भी रेड है। मेरा खून भी रेड है नहीं मेरा मैरून है। आपका कब ब्लू है? ब्लू है मेरा। एलियन विलियन हो क्या? हर किसी को थोड़ा बताते हैं यार एडवर्ड सर आपने हर किसी को बता दिया यार।
अरे सॉरी सॉरी माय बैड, ये जादू है जादू। अच्छा आइला जादू वाला, अभी तो गाड़ी का गलत जादू वाला किया हुआ, धूप तो आने रही, इसमें ही फिर ले लेंगे थोड़े। धूप तो आ रही तो बच्चे तो नहीं आ रही ना। एक बात बता, अगर जादू है और धूप खाता है तो निकलता क्या है? खाना भी तो खाता हूँ ना, फ्रूट खा रहा ना अभी, अमरूद गुआवा। यार लॉयर है क्या सिटी में? लॉयर पता नहीं, छाबड़ा तू इतना अमीर है, एक लापना खुद का लॉयर पकड़ ले। मैं अभी तो अमीर, मैं अमीर का हूँ भाई, मेरी जेब में 6 मिलियन रह गया। 6 मिलियन तो ये अमीरी के नहीं, मतलब अमीर लोगों के लिए क्या? तो मैं बताऊँ, मैं इतनी अमीर हूँ कि मेरे पास अभी सिर्फ 13,000 है। एक टाइम पे था मेरी जेब में 13 मिलियन थे भाई। देखो मैं तुम्हें बताऊँ ना, मेरे से सिर्फ कैश, देखो मेरे पास कैश ही सिर्फ 50,000 है, ठीक है? बैंक में -30,000 में जा रहा हूँ। अबे ऐसे कर, आओ जा जरा वो क्या हैंडकप लेके आना। हाँ क्या हुआ? हाँ तेरे को रेस्टोरेंट अच्छा। अरे देखा है, चला ये लोग फिर फूल की बातें करने। हाँ देखा तो, बोले तो। अरे छाबरा कौन भाई बोलो? अच्छा आपको रेस्टोरेंट देखने? हाँ जी रेस्टोरेंट देखने चल रहा है, नया रेस्टोरेंट खुल रहा है। कहाँ पे है? कहाँ पे है वो? लोकेशन बता दो। नहीं पियर पे, मेरी पियर। हाँ ये वाला पहले वाला का दूसरे वाला? पहले वाला आ रहा हूँ, लैम्बो में आएगा सर, आ रहा हूँ। आ जा दिल में मेरा है भाई, कुछ करना पड़ेगा इसका। अपुट रहा लाइसेंस हो गया क्या? ना तेरा लाइसेंस हो गया क्या? हो गया लाइसेंस? अबे नहीं, वो एनओसी मांग रहा था, लॉयर कोई है नहीं शहर में, तो फिर मैंने बोलो दीदी बोलो बहुत लंबा चेंज करेंगे, रेस्टोरेंट तक नहीं लेके जाना। नहीं आए उसको, रुक लिया भाई, अपना नाम ही काफी है भाई, अभी 3 लोगों को पैसे देने तभी मैं अरे यार थोड़ा समझ रहा है, लोन लिया था ठीक है, फिर वो समझ रहा है उसी का बिल बॉक्स का इतना ज़्यादा मेरे एप्लीकेशन आ गई उसकी, उधर भी मरता हूँ बहुत हूँ ठीक है। आफ्टर तू जिसके बाद फिर अभी जो क्या मतलब जो मेरा पैसा था ना, मुझे पता था मैंने माइनस में जाना है, तो फिर मैंने थोड़ा पैसा देने अच्छे को दे दिया कि अपने पास संभाल के रख, जब चाहिए होगा मैं ले लूंगा। फिर अब उससे 50,000 कैश लिया, बैंक में तो -30,000 हूँ मैं। भाई तभी तेरा ज्वाइन किया था मैनेजर। अरे ये है क्या वो एलेक्सा? नहीं ये तो एमडी है। एमडी ओके, ये एक्चुअली शेफ है। अच्छा ये शेफ है, बढ़िया। तो ये भी इधर ही काम करेंगे क्या? यस तो हाँ बढ़िया। तुम्हारे बाकी के दोस्त आए नहीं थे? अभी कोई भी नहीं आया, अभी सिर्फ मैं ही हूँ, तभी आया था मैं। अरे बहुत सुंदर बनाया है वे तूने। इसका स्नीक पिक फोटो डाल दे यार, डालेंगे अभी। अरे अभी डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है ना, अभी एक बार डॉक्यूमेंटेशन होने दो, तब तक क्लेम नहीं कर सकते ना। ओपनिंग सून ऐसा लिख दूं क्या? यस हैशटैग स्नीक पिक करके फिर लिख दो ओपनिंग सून, या तो मैं डालता हूं एडिट में डाल दियो, क्योंकि तेरा डॉक्यूमेंट चल रहा है। अरे कहीं फर्क पड़ता है कुछ नहीं होगा। हेलो अंकित, वेलकम टू माय शो। क्या कैसे किया? वो फोटो वाला कैसे किया मतलब? लेकिन कौन सा मसला है? जैसे तूने किया ना, पता नहीं एकदम से ऐसे साइडवेज हो गया था, पता नहीं मैंने क्या किया। ये बहुत सही गया है मेरी। अरे 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 तुम खड़ी रहो ना सामने इमली। हाँ ऐसे एक पोज दे के खड़ी, कुछ पोज दे दो। हाँ उसके नीचे खड़ी रहो। हाँ कोई भी अच्छी पोज दे दो।
अरे कोई ऐसी एटीट्यूड वाली पोज दे दो, ये तो हमेशा देती हूँ। ठीक है, हाँ 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 वो हाथ ऊपर वाली, हाँ ये सही है। साड़ी हो यहाँ पर जाती बस। अरे अभी कहाँ पे हो? रुको मैं कॉल करती हूँ। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अरे सच्चे को और चीज पूछनी थी कि जैसे सुन लो एडवर्ड, एडवर्ड हाँ बोलो बोलो। हाँ तो मुझे पूछना था कि जैसे देखो मैं और कैट मैनेजर हैं, ठीक है, और जो भी शेफ शेफ जितने भी, जैसे मैं मैनेजर हूँ तो लाइक मुझे मैनेजर का कार्ड मिलेगा कोई, ताकि अगर कुछ भी कल को पीडी पूछती है तो मैं दिखा सकूँ। तुम्हारा कंफर्म है क्या? मेरा तो कंफर्म है, कैट का भी कंफर्म है, जेन का कच्चा पक्का है, जेन में तो वैसे भी नहीं आ रहा था, और वो जो दूसरा लड़का है उसका भी पक्का है। हेलो हाँ बोलो। इस पे क्या है पेपर? ओके ओके अबे किसने डाला? क्या डाला? एक मिनट, एक मिनट। अरे नहीं एक मिनट, वो डाल रहा हूँ ना मैं ओपनिंग सून वाला फोटो। जास दिख रहा है फोटो। चलो उस तरफ चलते हैं। अरे यहाँ पे इवनिंग में क्या मस्त सीन लगेगा। हाँ ना? अरे ये देखो जगह भी बैठने के लिए मस्त है ना एकदम। हाँ एकदम परफेक्ट है, हर एक केबिन में काफी स्पेशियस है, यहाँ पे बैठ के अच्छे से खाना खा सकते हैं, नहीं तो ऐसे रेस्टोरेंट में बैठने की जगह ही नहीं रहती ठीक से। क्या मस्त कैंडल लाइट डिनर हो सकता है यहाँ पे, देखो कितना मस्त ऐसे बैठ सकते। बैठो बैठो पप्पू जी, क्या तुम वेटर का काम करोगे? ऐसे पहन रखे वैसे ही है कपड़े। बेटर दो मछली लेके आ, दो कप, दो मछली, मछली कबाब। क्या कर रहे हो जल्दी करो। मछली कबाब लेके आओ। अच्छा चलो ये सही है, ये जो मछलियां रखी हुई नहीं। अबे वो आवे कौन आ गया? छाबरा आ गया क्या? एडवर्ड भाई पुलिस पीछे पड़ जाती है भाई। क्यों भाई ऐसा क्या किया भाई पुलिस का? और काम किया आपके पीछे है ना, पुल ओवर किया तो आपको पता है। फिर मैं गाड़ी बगा के रख के नई गाड़ी ले आया। अरे ये क्या बात हुई। बैठो बैठो सावला भाई, अपना ही रेस्टोरेंट अपना जब होगा तब देखना। हम्म,
अपना तो वो लेना अपने को चाय की टपरी चाय की टपरी पे क्या हाँ बोल वो लेनी है मेरे को क्या हुआ दे देता हूँ भाई दे देता हूँ मैं खुद अभी माइनस 30,000 में जा रहा हूँ कैश भी नहीं है यार पांच दिन रुक जा पांच दिन बस पांच दिन के बाद फिर ले लियो तो बस दिक्कत ही वो है ना लाइक कैश अगर होता तो मैं दे देता अभी कैश भी समझ रहा है बहुत कम है लाइक उसकी बफेलो लेनी है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है वरना पैदल तुझे भी पता है सर एक चीज बोलूं आपके बैंक माइनर 30 है आपका 50 कैश है तो बैंक में से ही गाड़ी की परचेज होगी गाड़ी बैंक अकाउंट से परचेज होगी मैं आपको कैश नहीं दे सकता नहीं यार क्या दिक्कत है सर हम कैश में गाड़ी नहीं लेते ना हम पक्के पैसे लेते हैं कैश में क्यों लेते हो तुम तो बैंक से कटवाते हो ना हाँ वही ना वही तो बोलो कैश लेने नहीं इनका माइनस 30 में चल रहा कैश माइनस में चल रहा है बैंक बैलेंस बैंक अरे एक बात कहूँ हेलो हाँ तो अरे तीस का हजार मिल सकते हैं अभी दे दे यार हाँ हाँ यार तू चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं अरे कोई दिक्कत माइनस में कैसे जाता है यार इतना खर्चा कौन करता है अरे खर्चा नहीं भाई हॉस्पिटल बिल्स दिन आफ्टर समझ रहा है थोड़ा पर्सनल इश्यूज का भी देना था तो दिक्कत हो गई कि सारा माइनस में चला गया 30,000 वाह ये ब्लैक मनी का क्या सीन है छाबरों को बताऊंगा आ ये ब्लैक मनी का क्या सीन है भाई मेरे पे पड़ी तो है 12 खाले का वहाँ पीछे कौन है हेलो कहाँ पे वो पीछे खिड़की से देखो कोई दिख नहीं रहा कहाँ पे वो देख लड़की खड़ी है वो देख यार वो तो लोग आते हैं घूमने यहाँ पे उसमें क्या है बात है I thought कि अकेली थी खड़ी थी ना तो मुझे लगा हाँ ये अलीशा होगी बुला ले जा बुला ले जाओ इमली इमली बुला लेना उसको अलीशा भी ईद का चांद दिया ये भी ईद का चांद दिया अलीशा सर हेलो हेलो अरे यहाँ पे क्या कर रही हो आजा उनके कुछ नहीं वैसे बस बोर हो रही अच्छा इधर तक घूम लिया अच्छा 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 अपने ये होटल नहीं देखा ना मेरे रेस्टोरेंट में नहीं यहाँ एडवर्ड है एडवर्ड के साथ मेरी नहीं बनी थी अच्छा अरे वो बोल रहा था अंदर बुला मैं उसे ही देखा ओके आप एंजॉय करो अरे आ जाओ वही बुला रहा क्या गया दोस्त के साथ नहीं मैं नहीं आ सकी ना क्यों जहाँ एडवर्ड है वहाँ मैं नहीं आ सकी अरे ऐसा क्यों क्या हो गया बस कुछ नहीं अगर आपके पास टाइम हो तो आप मेरी बात सुन लेना बस हाँ हाँ अरे बोलिए बोलिए यहीं पे बात कर लेते हैं अरे यहाँ पर खड़े हो नहीं अभी अभी नहीं कर क्या बोल रहे अभी नहीं कर सकते अभी मतलब टीवी का इशू है अच्छा। मैम आप ये बताइए आप इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ मैं तो यहीं पे होती हूँ कुछ लोगों को मैं दिखती नहीं बस नहीं ऐसे कैसे नहीं सर हम तो हमेशा ही यहाँ होते हैं
हाँ यही ना, आप लोगों को दिखती रही मैं। हाँ पहले तो दिखते थे ना, पुराना आपके ऑफिस के पास होता था, हमारा पीडीएम अब नहीं है। हाँ तो अभी इसी वजह से मैं दिखती थी शायद। मैं कुछ दिन गाँव गई हुई थी तो अभी वापस आई हूँ कल। तभी तो बोला गए थे। मैं बिल्कुल ठीक साफ था। मैं भी बढ़िया। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स बनाने का सोच रही थी। सिटी में कुछ करने हैं लेकिन कोई मिल नहीं रहा। अच्छा लोग, अच्छे लोग नहीं मिल रहे। अच्छा कोई है ही नहीं सिटी में ज्यादा? नहीं जो है वो भी बस एक दो के साथ ही चिपके रहते हैं हर वक्त। अच्छा अरे जी अलीसा मैम, मैं सीईओ हूँ, बताइए कौन सी कार्रवाई करनी है? पीडीएम की ना न्यू कार्रवाई करनी थी, पहले वाली कौन सी बहुत हो गई हूँ, एक न्यू कार्रवाई करनी थी मुझे। कौन सी? वो तो आप मुझे चल के दिखाओगे तो पता चलेगा। ओके अंदर पीडीएम। बजट का तो आपको पता है मेरे पास कोई इशू नहीं है, जितना भी हो जाए कोई इशू नहीं। पहले मेरे पास यूरिया है, टिगोल है, सिविक है, वो एक दो मुझे पता सारी तो मेरे से लिए है। वही ना अपने पास सब का रही है, एक और लेने का सोच रही थी मतलब। तो पहले वाली सबसे बोर हो गई हूँ। वैगनर ले लो। वैगनर हाँ सोच सकते हैं इसके बाद भी। विजन ले सकते हो। ओके शाम को मेरे फ्रेंड है वो आते हैं, फिर मतलब उनसे पहले 1 मिलियन ले लें फिर उसके बाद। अरे बाप रे बड़े लोग। अरे अभी तो आपने मेरा बैंक अकाउंट भी चेक किया। कितना? नहीं यहाँ पे नहीं बता सकती ऐसे। बताओ यहाँ पे देख तो सकते हो ना, बताओ कितना। आपको आपको पता है ना सिटी में शायद सबसे ज्यादा कार्ड मेरे पास है। शायद शायद नहीं मतलब। हाँ कितनी गाड़ियाँ मैम आपके पास? मेरे पास आई थिंक 13 है। 25 आपके पास? आप तो पीडीएम वाले हो, आपके पास आपके साथ क्या हमारा कॉम्पिटिशन हो सकता है? खुदा को पता पीडीएम भी आपके कम ही, अगर इनको 6 गाड़ियाँ लेके बैठे इसका स्क्रू ढीला है। अच्छा नंबर 2। अरे आपने कितने मैनेजर रखे हैं? नहीं मेरे को ये नहीं पता, मेरे बहुत कांटेक्ट हुए। अरे इनसे बात हुई थी बट इनका कुछ फिक्स नहीं चल रहा था। अभी इनके दोस्त आएंगे तो मैं बताऊंगा कि मैनेजर की तो मुझे ऑप्शन है, अगर तुम कम पैसे ले रहे हो तो तुम्हारे बारे में सोचेंगे। नहीं मेरे पास, मैंने कभी लिया है। ये लोग बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे थे यार। क्योंकि आप पर मैं बताऊँ ना, मैनेजर 2 ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा, ऐसे तो एक होता है पर हम ज्यादा से ज्यादा 2 रख सकते हैं। हाँ ये वैसे देखो अपने को तो चाहिए स्टाफ, जितने आ रहे रख लेंगे, वैसे भी सारे आते नहीं है कभी। अरे मैं ओपन हो रहा है नहीं चलते ना चल, चल, और कपड़ों में जाना है या सही जाना है? चेंज कर लेते कपड़े। चलो चलो कुछ अच्छा पहन के चलते ओपनिंग तक। हेलो हेलो रेलिशा, मैं अपनिंग में आ रही हो? हाँ मेरे फ्रेंड्स आएंगे फिर साथ में लेके आएंगे। ठीक है तो मैं वहीं पे मिलती हूँ फिर आपको। ठीक है ये रात क्यों रहे हो भैया? हाँ चलो वहाँ पे मिलते हैं फिर मैकडी के ओपनिंग पे। ओके देखेंगे मिलने के क्योंकि आप इनके साथ आओगे तो फिर नहीं मिल पाएंगे। वो तो मेरे साथ ही रहते हैं पूरे टाइम। तो आपका इनके साथ देना जरूरी है क्या?
अरे मेरे फ्रेंड है सबसे अच्छे यहाँ पे। हाँ तो फ्रेंड है तो एक टाइम के लिए फ्रेंड होती है, तो नहीं कि सदा दिन ही बंदा एक साथ सब पर है। अरे मेरे साथ में ही रहना पसंद है, इसके साथ में रहते हैं। और मेरे दूसरे फ्रेंड्स अभी वो आएंगे थोड़ी देर में। हाँ तो आप मुझे तो फ्रेंड नहीं समझती ना, अगर मुझे फ्रेंड समझती तो थोड़ा टाइम मेरे साथ भी आ जाती। अरे अरे आप बुलाते नहीं, तुम कॉल नहीं करते। नहीं बुलाना, मैंने आपको कल कहा था ना कि जब भी आपके पास टाइम है तो भी आप उनके साथ घूम रहे हो, आपके पास टाइम है तो भी आप आ सकती है ना, बट आप नहीं आई। अरे चले कोई बात नहीं, मैडम मिलते फिर। एक काम करो, रेडियो 55.5 ज्वाइन करो। क्या बोल रहे हो? 55.5 रेडियो ज्वाइन करो। हाँ तुम क्या कर रही हो, आ जाओ ना। आ रही हमारे सामने हो। अच्छा हाँ हाँ बैठ। अरे मैं क्या बोलती बोल रही थी, अलीशा से अपनी बनती क्या, अब बात नहीं करते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? हाँ वैसे वही पूछ रही थी। कौन पूछ रही थी? मैं पूछ रही हूँ, ऐवे ही पूछ रही हूँ। नहीं ऐसे कुछ नहीं। अच्छा पक रोक के लिए गाड़ी, आवाज आ रही है मेरे गले से? एमिली? हाँ ना आ रही है ना। हाँ बस ठीक है, मुझे लगा मेरा गया आवाज में, मैगडी के आसपास वाला को देखता। अरे यहीं पे कोई देख लो ना, क्लोथिंग सेल है। क्लोथिंग पे तो मुझे भी जाना था, टैटू पार्लर पे भी जाना है। यहीं पे पहले क्लोथिंग पे ही जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ही रही क्लोथिंग पे, यहीं जाना है क्या? हाँ यहीं पे ले लो ना। ठीक है। अरे अरे क्या हो गया, सिंगल से उसे दिखते हो? कैसा पहनूं कुछ? वन पीस पहनो सही रहेगा। ठीक है। ऐसे नहीं पूछे जो आपको अलीशा से फ्रेंडशिप नहीं करनी, तू ना करो पर ऐसे ऐसे मैं तो डिस्कस नहीं करो। अरे डिस्कस क्या किया इसने, जस्ट एन आरपी टाइप में पूछा मैंने कि कुछ वो है क्या, मगर इन कैरेक्टर तुम्हारा कुछ है तो मैं वही पूछा। इट्स काइंड ऑफ इन कैरेक्टर पूछा मैंने। परफेक्ट
ये मस्त सही है। यस वैसे से भी स्लिप की ये ठीक है क्या? अरे साइड हटियो, सही लग रहा है। तो शूज सफेद ठीक है या ब्लैक? शूज वाइट ठीक है। मैं कैसे लग रही? बढ़िया एकदम है ना। रेड शूज ठीक है ना? रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन सही रहता है ना। व्हाइट ब्लैक रेड ब्लैक ब्लैक के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन सही लगता है और व्हाइट के साथ भी। अबे ये क्या पहन रहा है? अरे तो वैसे डाल रहा हूँ। चलो भाई तुम नहीं आ रहे हो क्या? आ रहा हूँ आ रहा हूँ। चलो भाई क्या कर रहे हो? चलो
अरे एक सेकंड, मुझसे भी ज्यादा टाइम। अरे मैं कुछ देख रहा था। Let's go. ये तो पहला लक्ष्य था। Let's go. पेंट ब्लैक कर लो बस। सही है। चलो ये नहीं आ रहा क्या? लड़की के ऊपर ज्यादा मैच लगता है, टाइम लगता है इसको। क्या करें, चलो अभी। अरे यू गाइस गो, मुझे थोड़ा इमरजेंसी काम है। पागल क्या बन के आ गया तुम? मुझे लगा ये ऐसे कैसे आ रहा है चड्डी में। यस आई वुड लाइक टू मेक अ रिजर्वेशन फॉर वन प्लीज। अरे मेरा मेल लिख। हां एक मिनट। देख लो ईमेल। तुम्हारे बाकी के दोस्त क्यों नहीं आए आज? लेट आ रहे हैं। वो लेट आते हैं। इतना सोएंगे मोटर? वही ना, कितने सोते ही रहते। तुम तो उनको पानी डाल के उठाने वाली थी ना? हाँ ना, नहीं उठाया। पर मैं नहीं उठाऊंगी, बात करती। उनके पेड़ के ऊपर नल लगा दो मैं तो बोल। हाँ, वन तो चलो। यहाँ पे पार्किंग की भी दिक्कत है। पार्क कहाँ करें भाई? कहीं पे लगाना पड़ेगा ऐसे। यार मेरे को ये सूट थोड़ा पुराना लग रहा है, चेंज करोगे? सूट आओ, आओ। क्या? आओ मैं करवाती हूँ। पुराना लग रहा है थोड़ा। हाँ मैं करवाती हूँ।
के डैनियल को रुकना चाहिए तो ओपनिंग तक हाँ ना जल्दी चला हाँ और इसे सोच में मुझे कलर ऑप्शन बताओ ब्लू है इतने ही दूसरा दूसरा देखो पीछे करो इसमें देखो इसमें कोई कलर नहीं है अच्छा अच्छा बदलो ऐसे हो क्या जल्दी बदलो चेंज ना भी कैसे रहो चेंज करते जाओ जब तक रोकने ना बोलो नो वे बहुत लॉन्ग गई है डॉक्टर एकदम डॉक्टर इसमें ऑप्शन देखो अरे पीछे करो पीछे अरे ये सही लग रहा है पेंट देखो नैरो पेंट होगी कोई नैरो ऐसे चलो बदलते जाओ बताओ कि वो पेंट हाँ 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 ये पेंट तो मिल गई शर्ट व्हाइट करो शर्ट को पिंक को पिंक शर्ट को व्हाइट करो हाँ बात एकदम सही शूज व्हाइट सही है क्या हाँ व्हाइट ही सही है शर्ट भी व्हाइट है ना भैया पप्पू अभी क्यों कॉल कर रहा है हाँ भाई क्या हो गया रेडवेट हाँ अरे मैंने पूछना था मुझे पूछना था इस बंदे को फैमिली बनानी है बोल रहा फैमिली बनानी तो क्या आप मदद करने वाले हो बोलो लड़की ढूंढे अरे वैसी फैमिली में वो फैमिली गैंग गैंग मदर फादर वैसी नहीं वैसे वैसे फैमिली बनाने वाले होते हैं बहुत आराम करते हैं सच बता रहे मैं बोलती हूँ दूसरी फैमिली बनाओ हाँ सच में चलो आ गया महंगी कार है लॉक कर देना हाँ ना लोग गाड़ी चुराते हैं यहाँ से वही ना ये सही है अरे गला हाँ ये सही है 8:30 को ओपनिंग था अभी तक कोई नहीं आया 9 बजे को आए अब हमें फ्री खाना चाहिए मैं बता रही हूँ हम बहुत जल्दी आए हाँ। बहुत बड़ी हम पहले आए हम सबसे पहले आए हमको पहले आपसे मील ली थी उसके बाद एक लिया ओके ओके आज देता हूं ब्रो फेस गिर रहे हैं कटते ही और क्या चल रहा है राजू उठा लिया क्या हाँ हाँ उठा लेते चलो बैठो पहले उसका भी बिल दे दो सर आप मेरे को हाँ सर आपका पेपर 46 चलो मैं चलता हूँ मिल गया हाँ
बिल भेज दे सर। आप चेयर्स कितने छोटे हैं यार, कैसे बैठने का? नहीं बैठ, नहीं बैठ पाएगा। आ जाओ, दो बताया तो था, दो साल के बच्चे बैठ सकते हैं। मानी अकेले ही हो क्या? हाँ अभी तो अकेले ही। बंदे हायर करो ना। रख दिया क्या सर? अरे भाई थक गया हूँ भाई, कब नौकरी लगेगी? थैंक यू सर, अपने इधर हैव अ गुड डे सर। थैंक यू सर, तो मिल जाएगी नौकरी सर आपको। एक चिकन मेरी कर दो सर, और एक मैक महाराजा और एक हॉट चॉकलेट। हाँ भाई यहाँ कोई लाइन? हाँ कोई है बोलो। और वो मेल वाले ड्रिंक में आप वो कर देना पाइनएप्पल स्मूदी ऑर्डर। हम देखो मैम वो अंबानी है ना, कोई देख रहे हैं? आज कोई है नहीं, आज ही ओपनिंग हुई है ना, भी बंदे हायर नहीं कर। हेलो मिस्टर एडवर्ड, कैसे हैं? हॉट दिख रहे थे भाई, वो आईना से नीचे जा। अरे मैं बढ़िया, तुम कैसे हो? अरे एकदम डैनियल सर आ जाओ। हेलो भाई, मैं गैंग गैंग कर रहा हूं। हेलो मैम, लेडीज मार्केट में क्या? अरे हां भाई छोड़ दो, गई ना मुझे। अच्छा बेटे ये पर्सनल था फिर आप पर्सनल बोल के तो मेरा पेपर 40 बन रहा है। अरे डेविड से मिल लेंगे वैसे गुरु, ये थोड़ा पर्सनल था। उसको खबर नहीं मिली ना अभी हमारी उसकी पोस्ट वगैरह की। जाओ भाई भाई गुंडागर्दी करो भाई, तुम तो वैसे ही बहुत करते थे। लोगों को बिटते भी थे वो अलग बात है। नहीं ये लोग क्या फैला रहे तुम्हारे बारे में? ये कौन है जरा बता ना। मेरे बारे में तो बहुत कुछ एक बात है। अरे वही भाई जिसने तुम्हें उठा के पीटा था, सॉरी बुलवाया था यार। तुम्हारे पता है क्या बोले जा रहा है? भाई ज्यादा और चॉकलेट पी लिया। मैं कह रहा हूं लॉयर से। हेलो मैम क्या चाहिए आपको? मैम हमारे पास दो मील है, वेज मील है, नॉन वेज मील है। और फिर अगर आपको अलग से चाहिए तो वेज मील के अंदर आपको मिलेगा एक वेज रैप मिलेगा, वेज एक वेज बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, नॉन वेज दो नॉन वेज मील। और आपको ड्रिंक्स में क्या लेना पसंद करेंगे? हॉट चॉकलेट या फिर पाइनएप्पल मैंगो स्मूदी? पाइनएप्पल मैंगो दोनों में आपका नाम लिखा है। अच्छा अलग अलग स्मूदी दोनों, तो हाँ तो एक पाइनएप्पल का दो और एक मैंगो का। ओके ओके बहुत ज्यादा बिजनेसमैन के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। अभी आपने बोला ना पप्पू आपको क्या बोला 36 लाख का कुछ? मेरे को पहले बोला कि कैसीनो में 5-6 लाख मिल रहे हैं। मैम आपको स्मूदी के अंदर कैसे दोनों एक ही चाहिए थे ना? पॉसिबल ही नहीं है। हां हां तो क्या रेडी है आप समझते हो इस चीज को? अरे कैसे हो एमली मैम? डक शार्प हो क्या? हां पता नहीं क्या किया जाए। भाई मैं बता रही तुम्हारा आगे का दावा बंद कर दो। मैं कल कितनी देर के लिए थी, आज भी आई हो था भाई, बंद होने वाला था। टेंशन नहीं होना चाहिए, आउट हो गए थे मैं गलत था। अरे काम होने से पहले मुझे चिकन चाहिए, मुझे चिकन चाहिए बता दी। होगा मेरे पे, मैं अभी रुको। मैंने तो कर दिया, मैं कह पप्पू को मेरे फ्रेंड को खिलाना यार, कितने टाइम से मैं आ रही हूं सारे पे। अरे यार अभी है नहीं मेरे पे एक्चुअली। अच्छा लेके रख मैं, ऐसा कॉल आया मेरे पास ठीक है, जितने भी डिश आप हायर कर रहे होंगे। हां कोई इशू नहीं। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूं कि मैं तो इनको हायर नहीं करूंगा, यहाँ पे रख रहा हूँ। हाँ मैम रख दिया आपका पेपर। हाँ मैंने सोचा मतलब बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे, बट मैंने थोड़ा बहुत कम करके बिल भी भेज दिया। वो मैं जाता हूँ सर, आप हाँ बोलो। एक स्कूटर की चाबी थी खराब हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल मेरे को बोलते हैं कि कैसीनो वाले 5 लाख दे रहे हैं एक वीक का। सर रीत पता है उधर से ही आई है, जिस टाइम एमएलई का 1 लाख वाला चला था आप
चार्ल्स के पास गए थे ना, डेढ़ लाख का ऑफर लेके आने के लिए। फिर बताओ लीड तो वहीं से चल रही है ना, एम्प्लॉयज खराब होने वाले। खराब नहीं हो रहे, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, अभी भी हैं, इन फ्यूचर भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे, इतने पुराने दोस्त हैं। बट कुछ एम्प्लॉयज के कारण ब्लैंक फॉरगेट टू मच यार, तुमने पहले इमली को ऑफर दिया फिर बाद में ठुकरा दिया, इसलिए मेरे को गुस्सा है। ट्राई नहीं, मेरे पास चार्ल्स का कॉल आया, इमली गई है वहां 1.5 लाख के लिए, गई है या नहीं बताओ सच्चे को। हम पहले देखो, हम तो हर जगह ट्राई करेंगे ना, जहां से ज्यादा पैसा मिलेगा वहां पे ट्राई करेंगे। बस वही वाली बात तो थी कि आज और ज्यादा पैसा देगा तो अगले दिन मेरा जॉब छोड़ दिया जाएगा, जैसा कि पप्पू और इसने किया कैट ने। नहीं तो मैंने जॉब जस्ट एक दिन पहले जॉब, अरे जॉब एक्सेप्ट कब हुई थी वहां, मैंने सबको ये भी बोला था कि तुम कॉन्ट्रैक्ट बनवाओ। मैंने तुमको दूसरी बार भी पूछा था कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ, तुमने बोला अभी बन रहा है। तुम कैसीनो में पैसे कितने तो कमा रहे हो अभी, तुम्हारे चिप्स देखो भाई 25,000 के चिप्स तुम 7,000 में देते हो, 25,000 लेते हो, 7,000 चिप्स देते हो, विनिंग्स उसी अकॉर्डिंग। 7,000 चिप्स हम वापस दिए तो हमको 7,000 भाई 18,000 का हमको नुकसान होगा, तो हम क्यों खेलेंगे बताओ। कैसीनो में इंसान जीतने के लिए या कुछ ऐसे अपना नसीब देखने के लिए खेलता है, ताकि उसको पैसा कुछ मिल जाए अगर नसीब अच्छा हो तो। बट यार तुम बंदा 7,000 चलो मतलब कितना नुकसान करवा रहे हो यार। कैसीनो की अगर आप विनिंग देखोगे ना तो आप भूल जाओगे इस बात को। पहले आप शेयर में पूछो, मेंबरशिप भी ले रहे हो उसके बाद चिप्स का इतना कम पैसा दे रहे हो भाई। एटलीस्ट जितना लाइक 25,000 का है तो उसमें थोड़ा सा देखो ना, आप कितना एक चिप्स खरीदते टाइम आप कितना दे रहे हो, ऑलमोस्ट 3 times ज्यादा पैसे दे रहे हो, 3 or 4 times ज्यादा पैसे दे रहे। और डेट टाइम तो समझा नहीं पाऊंगा, आप जीते नहीं हो तो उसमें मैं नहीं कर सकता, आप जीतते तो आप ये बात नहीं बोलते। देखो तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात, 25,000 के चिप्स खरीदे तो तुम 7,000 चिप्स देते हो उसमें, और उसके बाद जैसे मैंने सपोज मैंने 7,000 के चिप्स मैंने वापस कर दिए तुमको, तुम उसमें 7,000 ही दोगे मुझे, मेरा सारा नुकसान ही होगा ना। तो मेरे को चिप्स सर उसी हिसाब से आ रहे हैं ना। हेलो, अच्छा हाँ बात करते हैं। मैं मैकडी में हुआ आएगा क्या, मैकडी की ओपनिंग में मेरे चिप्स इंपोर्ट जो हो रहे हैं ना सर वो इसी अकॉर्डिंग हो रहे हैं। अरे बट फिर थोड़ा बात करो ना कहीं पे। मैंने आपने देखा होगा व्हील में, मैंने पता है एक बार में 25,000 की आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है। अच्छा बट उसमें तो टाइम लगता है ना, व्हील लिया ही नहीं था आपने? नहीं नहीं वैसे लॉयर आ रहा है। एडवर्ड सर कैसे हैं आप? बढ़िया। लॉयर हो क्या? नहीं नहीं सर, मैं जैक डेनियल्स मैनेजर ऑफ डायमंड कैसीनो। ओके ओके। अरे ये वकील से बात करते हैं, अभी आ रहा है। कौन सा वकील आ रहा है सर? लॉयर लॉयर। कौन सा लॉयर? नाम नहीं पता मेरे को अभी। जॉली चैन आ रहा है क्या? जॉली जॉली एलएलबी है। नहीं जॉली एलएलबी मेरे पास कौन है? लॉयर आ रहा है सर कोई? नहीं नहीं जॉली एलएलबी जो कल मिला था तो मेरे को नहीं। हां सॉरी नहीं, कैसीनो आया था वो कल एक्चुअली। हां हो सकता है। सुनो हेलो पीडी सर, उस डोनर। अरे आए क्या यार, बताइयो दे तुम। यस यस सर, मान आप क्या लेंगे? ले चेक में चलो, आ जाओ कर लेंगे। यस यस आ जाइए सर, हमारा लाइसेंस काम भी कर लेंगे। मैं कैश ला रहा हूं। अरे एक मिनट, दक्ष कुछ कह रहा था। आ रहा इधर ही आ रहा। अरे दक्ष आ जाओ दक्ष। अच्छा खाने लो। अरे नेता मैं सोने जा रहा हूं। कोका कोला भी नहीं है। कोई इधर रखोगे तो दिखेगा क्या? कोला उधर है दो।
अरे सर वो सब रख सकती हो देखो, क्या सर देखो, दिख आप रहे? अगर हॉट चॉकलेट पियोगे ना तब हाँ दिख रहा है जी। ओके ले लो वो फिर चलो कोई हॉट हॉट लेके दो लेके चल ले ले टेक समथिंग सो आई एम हंग्री एवरी टाइम सो जस्ट गिव मी 3 टू 4 हॉट चॉकलेट देन आई विल टेक सम बर्गर्स एज़ वेल। क्या क्या मंगाई हो तुम सर? अभी सर अभी ओनर तो नहीं है सर, अभी मैं मैनेजर हूं यहां का। ओके कौन? मैं मैनेजर हूं अंबानी सिंह। अच्छा और ओनर कौन है सर? ओनर अभी तक नहीं हुआ है। ओनर कोई नहीं है होगा मींस मैं हूं मैं हूं। अरे इतना सब क्या खाया? क्या बोला मैं ओनर का खाओ की अभी नहीं सर अभी कोई है ही नहीं। ओके सर जी आई विल टेक फोर हॉट चॉकलेट मिक्स अस प्रॉपर्ली बिकॉज़ आई गेट सो मच टाइम। वो कितना पे करना है? मैंने कर लिया वो बोल देगा। फिर गाड़ी लाया कितना देना होगा? मैंने 3 देना होगा ज्यादा नहीं 800। अरे अरे मैंने दे दिया एडवर्ड भेज देता हूं। अरे मेरे पास थे सर मेन्यू में। हां हां गाड़ी लाए हो? हां लाया हूं। मेरे को कैसीनो तक ड्रॉप कर दोगे? बाप रे ठीक। अरे वो वकील से एक बार मिलके चलते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है क्योंकि एक्चुअली मेरी गाड़ी में कस्टमर जा रहा है। क्या? चलो खाते हैं मेरी गाड़ी में वो कस्टमर जा रहा है। अरे हमको खाना भी है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अभी वो लो ना यार बैठने का सीन ही नहीं है यहां पे। ये छोटे छोटे एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसे। बर्गर अच्छा है यार। आइसक्रीम मशीन चलती है। चलो सुन के तो अच्छा लगा। बता रहे चिकन बर्गर अच्छा है। हम बैठ मेरे को 3 आइसक्रीम जस्ट गिव मी इन समथिंग देन 5 बर्गर मैं तो बस चाहिए। ओ भाई कितना बड़ा बर्गर है खत्म नहीं हो रहा है। एक ही बर्गर में पेट भर गया मेरा। मेरे सामने वाले ऑफिसर क्या ब्रेड खा रही हो? दूधू बर्गर दो दूधू बर्गर मेरे सामने वाले ऑफिसर के लिए। डेजर्ट्स यस अच्छा था। अरे 3 और चॉकलेट दे 3 गरम दूध कैसे चेहरे बैठने नहीं हो रहा थी। आपका नाम खड़े रहना पड़े ऐसे ही खड़े रहना पड़ेगा। और कुछ चाहिए क्या तुमको? वैसे पता है ये वाली जो ड्रेस है ना ये लोग डेट पे भी पहनते हैं। हाँ ना सही है एकदम। आया मतलब कहां आना भूल गए 50 सर बिल कितना हुआ भाई? अच्छा हां हमारा भूल गए 1080 एक जैसा सर्कल कितना चेक चेक यार कब तक आ रहा है कितना बिल हुआ सर 1080 या और मेज नहीं दिख रहा क्या सूप का कर रहे हो उधर वो आते भाई ने अभी आए यार में। हेलो हेलो सर। हेलो ट्रांसफर हुआ था उसका ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर किया है? क्या ट्रांसफर करा मतलब जेंडर? ये बंदा बहुत लाइन मारता है। कौन जाने दीजिए बेचारा दो देखो बच्चा क्या सर आपका ऑर्डर रख दिया आपका पेपर एक फाइल है मेरा 57 ए बोल रहा था कि ये वाला जो ड्रेस है ना ये डेट पे पहनते हैं। अच्छा ये को तो अच्छा लगा इधर ऊपर में पहनने ये अच्छा लग रहा है। मैं नहीं पहनती अच्छा लग रहा है वैसे। अच्छा हां ना मेरे को भी अच्छा लग रहा है मैंने कभी नोटिस किया। अरे भाई क्या टेस्टी है फूड। हां ना सर मैं क्या बोल रही थी
बोला बोला क्या हुआ? मैं क्या बोलती हूँ, सारे पीडी ऑफिसर्स को नहीं से खाना खिला करो, व्हाट मैनर कर। या या आई एम गोइंग टू एडवर्टाइज, सो या आई विल बी गेटिंग सम प्रॉफिट फ्रॉम दैट आल्सो। चल अच्छा कम कम प्रॉफिट। अच्छा एडवर्टाइज ड्रेस अबाउट क्या बोला अभी? अच्छा ड्रेस, हां हां ड्रेस डेट पे पहन सकते हैं सर, पहनते लोग। ओ क्यूट लग रही हो, क्यूट, थैंक यू जॉयज। अरे वैसे मैं भी थोड़ी देर में जा रही वेलो खेलने। क्या सोच रही हूँ मुझे? मैं सोच रही थी मैं बहुत प्यारी और क्यूट हूँ। गुड गुड, तेरे भी यही सोच रहा था। अच्छा हाँ ना, मैं क्यूट हूँ ना बहुत। एक मिनट, हेलो हेलो एडवर्ड कौन बोल रहा है? कौन? हाँ सर आप कहाँ पे हो? हाँ मैगडी में आओ ना, मैगडी में ये सामने। अरे आइए सर, क्या खाओगे बताओ? अरे नहीं नहीं सर, केस्ट का बताओ सर। नहीं मैं बताता हूँ क्या काम है, आप बैठो। तो ये इनसे मिली है, मेरी दोस्त है एमिली रोज। हेलो एमिली, एक्चुअली मेरे को दो काम है आपके पास। एक तो इनका एनओसी बनाना है, लाइसेंस बना के निकल रही हूं मैं। और दूसरा काम ये है कि मैं एक नया रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, पर्ल्स रेस्टोरेंट सी एंड फूड, उसका पेपर वर्क करना है। ठीक है सर, हो जाएगा। तो क्या करना होगा बताओ सर? थोड़ी वो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको करनी पड़ेगी। आप अपनी मेल आईडी बता सकते हैं? एक मिनट, एक बार वो नीट लॉयर पे आप एक बार मैसेज कर दें। अरे नमस्ते, रुक जाओ बे, भूख लगा है। ताकि मैं आपको आपके आईडी मिल सके, मैं फिर आपको मेल कर दूं। क्या बोल रहे हो सर? योर नेम सुदीप जोशी। ये मेरी मेल है, मेरे दुकान से मेल है। मिल रहा ना तुम्हें अंबन? अरे हां सर एकदम सर। आज तो तुम्हारे आपके साथ सर हर 2-2 घंटे परेशान कर रहा था। बस इनके साथ पूरी स्ट्रीम करनी है क्या? हाँ मैं अब स्ट्रीम खत्म हुई है, फिर लाइक डेवलप कर रही हूँ स्ट्रीम, सिटी से जा ही रही हूँ, जस्ट 4 hours ही रहती हूँ मैं सिटी में, ज़्यादा नहीं रहती। सर आपका बिल है 700? 4 or 5 hours, बट लॉन्ग टाइम है सर। मुझे भी वेलो खेलूंगी थोड़ा, मेरे फ्रेंड भी वेलो में वेट कर। समझ पता चल गया ना ईमेल? अभी तक तो आ रही थी। एक बार दोबारा बता ऑर्डर। हाँ दे दो, मैं ले लेता। अरे दिया। ओके okay. अरे तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम हाँ सर दिलजीत। ये मैडम का पहले गन लाइसेंस का काम कर लो, उसके बाद वो कर लेंगे। मनी भेज दिया। मेरा नाम जान। हाँ हाँ अरे कॉफी शॉप में कौन है तेरा भी? मेरा नाम अब्दुल्ला। ठीक है ठीक है। एक मैम एक एनओसी चाहिए होगी हमें, किसी और के साथ भी तो कर सकते हो, और भी बहुत लोग इस टीम में। हाँ मैं पता है और भी लोग हैं, पर अभी कोई नहीं है। जब मैं तो आरपीएम से करती नहीं, मुझे जो सामने से आरपीएम मिलती है वही कंटिन्यू करती हूँ ज्यादातर, बिकॉज मैं पीडीआरपी कंटिन्यू करके आगे कुछ दिनों बाद गवर्नर पीला था। मैं सोच रहा हूँ गवर्नर की इज्जत ही नहीं है कोई, हर कोई फेल देता है। कौन वो पीला था? वो बोल रहा है कि उनने पीला था गवर्नर। मैं बोल रहा हूँ गवर्नर की इज्जत ही नहीं है, हर कोई फेल जाता है। गवर्नर डाउन टू अर्थ है, इसलिए हर कोई फेल के बाहर आ जाएगा। क्या हुआ? वो एनओसी का नंबर मिलता है, वो नंबर हमको पीडी वालों को बताना होता है, वो पीडी फिर अपने को पीडी वाले लाइसेंस इशू करते हैं।